वो देख रहे हैं आप, वो स्कूल देख रहे हैं आप. Like, do you call it मदरसा? अब्बू मेरी शाम को एक क्लास होती है. मैं लगता भी एक्सट्रीमिस्ट हूँ ना, मैं तो पूरा ही एक्सट्रीमिस्ट. वो नहीं, अभी मैं पेंट में था, क्लीन शेव था, पेंट से फोल्ड करना शुरू की थी. पेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले सारी जिंदगी निकर में गुजारी. क्या चल रहा है, कैसी गई ईद? सही गई ईद? फिर नहीं शुरू हो शुरू जिंदगी शुरू हो गई थी यार, बहुत पहले ही हो गई थी मुझे लगा. यार कराची अच्छा था यार, अल्हम्दुलिल्लाह. फैमिली से मिले, बुरा हाल था वहाँ, डूबा हुआ था आधा शहर, डूबा हुआ था. मगर ये कि किस्मत यूँ अच्छी थी कि सेंस वी लैंडेड, तो मतलब मैं सेकंड डे लैंड किया तो बारिश नहीं हुई. आई थिंक अब वापस शुरू हुई, तो एक दो दिन बाद क्लियर हो गया था. मगर गंद क्रेजी मचा हुआ था, पानी हर जगह था. जैसे मैं यही पहले यही बात कर रहा था कि आई थिंक मैं अभी कल निकला हूँ कराची से, लग रहा था आज ही बकरे कटे वहाँ. सफाई शफाई का कोई हिसाब ही नहीं. खैर अभी आते हैंड हो गया. मैं पहुँचा, असल में हुआ क्या कि यूजली ये होता है कि या तो घर पे लोग होते हैं जब मैं वापस आ रहा होता हूँ, या हम सब साथ होते हैं. तो मैं पहुंचा हूँ, जब मैं लगेज का वेट कर रहा था ना, तो मुझे याद आया कि मेरे तो घर की चाबी नहीं है, तो कोई है ही नहीं. तो फिर कुछ नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले तो मैंने घर फोन किया. हम कभी कभार नेबर को वो गाड़ी की चाबी देते हैं, मैं शायद घर की भी दे दी हो. अच्छा, तो खैर वो नहीं थी. तो मैंने फिर असलान को फोन किया, मैंने कहा यार वसीम को बोलो कि प्लीज चाबी वाला पकड़े और बस पहुंचे. अच्छा, इस तरह से उसने आपकी जान बचाई. हाँ, तो इस तरह. तो इसलिए मैंने कहा वसीम को जो है ना एक दिन तोड़ना पड़ेगा. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई थिंक मैं पहुंचा हूँ, तो वसीम 5 मिनट बाद ही वाज देयर. एंड अच्छा माशाल्लाह यार, ये खैर पता नहीं ऑनलाइन ये न्यूज देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बट लिटरली उसने मेरा लॉक डिसमेंटल करके खोला. वसीम ने खुद? वसीम ने नहीं, वो चाबी वाले. तो दैट्स हाउ इट इज. मैं सोच रहा था कि कोई भी कर सकता है, बस यही सेफ्टी थी. बिल्कुल. तो कहते हैं ना लॉक अन, ऐसा कोई लॉक नहीं होता जो महंगे भी हो कि अनलॉक ना हो. लॉक आर जस्ट टू कॉज डिले. कि अगर एक को 5 मिनट लगते हैं खोलने में, एक को 50 मिनट लगते हैं, तो 50 मिनट प्रोबेबिलिटी ज्यादा कि ज्यादा लोग आके उसको इंटरेस्टिंग बात की. उसने कहा कि नहीं ये तो कोई मशीन लॉक है. मैं नहीं, मैंने कहा मशीन लॉक. कहता है मैं इसको इस तरह खोल दूंगा स्क्रू ड्राइवर से. मैंने कहा क्या मतलब मशीन लॉक है स्क्रू ड्राइवर? उसने लिटरली डिसमेंटल्ड 10 मिनट्स मैक्स एंड बस. खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ. अब गए क्यों थे? मैं क्या पर्पस ऑफ विजिट किया? फैमिली जस्ट माय फैमिली इज देयर. तो नानी खाला वगैरह तो अम्मी के. अच्छा, वो हम क्योंकि आप नसीहा के सारे करता धरता है ना, तो हमें लगता है कि हर काम कहीं भी जाते हैं तो आप इसी मकसद से जाते नहीं, हैं. आपकी अपनी भी लाइफ नहीं है. वो वैसे भी नहीं है, मगर ये है कि मैंने किया. होता ना आपको एक होता है कि मैं कुछ जो है ना इतनी सारी बेगैरती में मैं कोई अच्छा काम करके आया हूँ. तो वो मैंने बड़ा अच्छा विजिट किया. उनका वहाँ एक सेटअप है अल मारिज के नाम से, हिफ्स का. अच्छा, तो देर ऑल्सो इन अ प्लाजा. तो वो ने अच्छा उसको वो प्लाजा नहीं कहते, उसको वो अपार्टमेंट बिल्डिंग कहते. मैं प्लाजा प्लाजा कर रहा हूँ, प्लाजो में कुछ नहीं, प्लाजा में इनमें प्लाजा ही. मैंने कहा प्लाजा ही है यार. ये नहीं, ये तो अपार्टमेंट बिल्डिंग है. मैंने कहा चलो गुड फॉर यू. तो वो उनके पास एक फ्लोर था 4 मरले का, 1000 square foot. तो एंड माशाल्लाह यार कोई 50-60 बच्चे हैं उनके पास. एंड 15,000 फीस है. एंड सादा. मैं लिटरली असलान साहब को ये कह रहा था कि यार ये कराची में ही हो सकता है. एंड मेरे खुद मेरी खाला का नवासा जा रहा है, ये जो हिकमा वाले बॉयज़ हैं, एक का बेटा पढ़ रहा है, एक के बेटा वहाँ दौराई कर रहा है, उन्हीं का दोस्त का है. तो सादा कारपेट था, सारा कुछ था, दीवारें शिवारें, बट पुराना एंट्रेंस एंट्रेंस कुछ भी नहीं. 2 AC लगे हुए हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते. जनरेटर है छोटा मोटा सा, 15,000 ले रहे हैं, कुछ और नहीं करा रहे. नो मैथ, नो इंग्लिश, नथिंग. और बिल्कुल इट्स डिफरेंट different dynamic altogether in Karachi. Like people are willing to spend money because अच्छा they know कि मदरसे से बेहतर environment मिलेगा, जानने वाले का है. But you know मैं तो शौक हो गया. मैंने कहा यार ये तो 5,000 मतलब यहाँ तो यहाँ कोई आके कहेगा कि मैं तो फ्री पढ़ाऊँगा अपने बच्चे को यहाँ. सीरियस. तो मैं इन दैट सेंस आई वॉज थिंकिंग यार वी हैव अ बेटर फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं उसको कहा वी हैव 4 times द स्पेस. वो 4 मरला है, 16 मरला है एंड बेटर फैसिलिटी डेफिनेटली, बट कोई लिफ्ट नहीं करा रहा. पैसों की तो वही है ना कि हम तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन पे कर रहे हैं, तो जितनी भी कॉस्ट है वो उसमें प्रॉफिट हो चुकी. मतलब यू नो वो भी ब्रेक इवन में चला रहे हैं ना, वो भी कारोबारी लोग हैं. उनने कहा यार हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पे हिफ्स करवाएं. बट वो जो तो है ना कि एक मुझे लाइक लाहौर में आई ऑलवेज रियलाइज कि यू नीड एन एनवायरमेंट मोर. लाइक जब हम हिकमा गए थे उनके मदरसे और हमारे मदरसे में हालांकि जगह उनके उतनी है, बट एक सादगी थी यार. और हम यहाँ कंसर्न्ड हैं तो देन वी हैव टू इन्वॉल्व पीपल लाइक सात तारिक के यार शशका भी एंड सलाउद्दीन भाई ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह लाइक यू नो लाइक शुक्र है आप हैं हमारे पास. कि ना कि नहीं ये और ये वाली लाइटें और पता नहीं कारपेट इंडस्ट्रियल हो, खैर वो भी, बट
पता क्या, आई थिंक इट मैटर्स टू सम एक्सटेंट. मतलब जब आप जाते हैं और किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे आपकी बिजनेस रिलेटेड कोई कोर्सेज या वर्कशॉप्स हो रही हैं और उसके अंदर लोग उस एनवायरनमेंट को चाहते हैं, तो आई थिंक जो हम लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे हैं ना, उसके अंदर आपको एक सर्टन लग्जरी या एक सर्टन प्रीमियम फील चाहिए. एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि वो किसी जो पाकिस्तान. अब एक मसला है ना हमारा कि हमने दीन को एसोसिएट कर दिया हुआ है कि दीन हमारा हमेशा एक सेकंड उस पर होता है, रेट के ऊपर होता है. बाकी चीज़ें हमारी दुनिया प्रीमियम पे चल रही होती है, दीन में हम लोग एक जो है ना उसमें सेकंड क्लास के ऊपर चीज़ों को कर रहे होते हैं. तो ये एक एग्जांपल उस तरह से भी सेट करना कि एक दीन के लिए एक हमने मदरसा बनाया तो वो भी एट पार विद एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन लाहौर, वो है एक चीज़. तो एक वो चीज़ आई थिंक आई बिलीव इन दैट किसी हद तक वो एक वो करता है. सेकेंडली यहाँ पर जो लोग आते हैं, मतलब दे फॉर एग्जाम्पल ये वर्कशॉप हो रही है, 1-on-1 वगैरह हो रहा है, तो वो जब आके उस पूरे माहौल को देखते हैं तो वो उससे वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैलता है. मतलब वो लोग बता रहे हैं यार हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें दीन का भी पता चल रहा है, बट इन इट सेल्फ द एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी प्रीमियम एक्सपीरियंस. तो वहाँ पर मतलब कॉफ़ी मशीन लगी हुई है और वहाँ पर चार टन के यूनिट्स लगे हुए हैं. और ये होता है अभी अभी हमारे एक इतकाफ के साथ भाई बैठे थे, तो उमर भाई तो वैसे विजिट के लिए आए, तो ही सेड के जब मुझे बताया गया मदरसा तो मैं अभी आया तो मेरे माइंड परसेप्शन कुछ और था. हाँ. बहुत अच्छा है, अच्छी है ये वो, तो अच्छा ऐड होता है. वैसे भी अगर इफ यू कंपेयरिंग यहाँ कराची वाली सारी वो सिचुएशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर तो दोनों में ही है. और जब वो हिकमा पे लोग जा रहे थे तो पहली दरस निज़ामी और उसके हाथ से जा रहे होते हैं, वो पूरा एक ट्रेडिशनल तरीके से, तो वो ऑलरेडी अपग्रेड है अगर आप उधर के मदारिस से कंपेयर करें. एंड ऑलरेडी रिलीजियस बैकग्राउंड, फैमिली रिलीजियस है, माइंड बना हुआ है बचपन से, हम गिर रहे होते हैं. लेकिन इसके अंदर यासिन साहब एक जो एज एन एएसएल स्टूडेंट एक लग्जरी के अंदर मैं एडिशन चाहूंगा, बैठने के लिए एक सीट चाहिए. वो देख रहे हैं आप, वो स्टूल देख रहे हैं आप, ये कैमरे पे हम दिखा नहीं सकते. मैं इनको ये कह रहा था, ये जो नहीं होता कि वो जब काबा को बना रहे थे तो वो कुरैश जो है रुक गए थे, उन्होंने कहा कि अब हमारी हलाल कमाई खत्म हो गई है, तो अब ये आधा है, तो ये उस चेयर का भी ये हिसाब है कि उतना हलाल से बना है इसलिए वो बैक नहीं है उसकी. अब आप ये बात भी याद है कल के आए तो इन्होंने कहा वाह यार दिस इज दिस इज अमेजिंग, साधने की लीक है और ये आपकी लीक नहीं. साद भाई की लीग का कोई नहीं है भाई, बड़े बड़े लोग साद भाई की लीग के नहीं है, ठीक है. साद भाई की एक अपनी लीग है. नहीं खैर, लेटर ऑन आई अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ इट एज बीइंग अ स्टूल, तो बिकॉज आई थिंक वो इनिशियली उन्होंने कहा था इट्स अ चेयर, तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया कि पता नहीं मैं अब किस जमाने में हूँ. मैंने उसको कहा, मैं उसको चैलेंज दी, मैंने कहा अब से ना आप अपनी वो निकालो ना वो अंदर और इस पे बैठा करो, फिर मुझे बताना ये चेयर है कि नहीं है. बट खैर इट मेक्स सेंस फॉर द रूम एंड बिकॉज़ द डिजाइनर ने आपको बताना था, मैंने इसलिए बनाई है, आपका कमरा छोटा है, फिर लुक और ये वो सब कुछ पे इसके पैसे होते हैं. नहीं ये दुनिया है कि जितना आप मिनिमलाइज कर दो वो चार्ज प्रीमियम करो. खैर एनीवे, अच्छा खैर कूडूस टू यू एंड द टीम. ये जो अभी सलादीन भाई बात कर रहे थे, तो मुझे उस वक्त एक हुआ कि आप लोग की मेहनत रही है यार. कि आई वाज सिटिंग विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कराची एंड मेजॉरिटी मेरा मतलब एक लिबरल सा सर्कल है, मतलब जो है ना वेरीज, कुछ प्रैक्टिसिंग है कुछ नहीं है, बट यू नो एक सारे कुछ ना कुछ दीन से मोहब्बत रखते हैं, बट यू नो सबकी अपनी होती है ऊपर नीचे. तो आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड मैंने एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उससे मैंने बात करा था, एंड आई वाज शोइंग हिम द नसीहा थिंग. उसका अपना एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा यू नो ही इज़ प्रोड्यूसिंग चीज़ एंड स्टफ, तो वो खुद इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत एक्टिव है मार्केटिंग ये वो. तो मैंने उसको कहा कि यार फ्रॉम a marketing point of view give me feedback, right, ke hum nasiha kar rahe hain, he was taken, but usko pata, wo kehta hai chalo mujhe pata tha tu kar raha hai, but I didn't know ke you know matlab itna kuch ho raha hai. And maine kaha yeah, like I was like yaar you are my target audience, theek hai na, ke bahar pade hue ho, english schooling, kya bolte hain, har jagah uthna baithna, you are my target audience. तो ही बेसिकली ही एंड मैं उसके वर्ड्स बता रहा हूँ, उसने अपने दोनों भाइयों को भी दिखाया. वंस अगेन वो सारे एक लिबरल सर्कल्स में उठना बैठना सारा कुछ, लॉयर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे वर ऑल रियली इंप्रेस्ड एंड दे वर लाइक यार ये एक चीज़ है जो मार्केट में नहीं है, एंड दे वर लाइक वी कैन सी द फ्यूजन कि आप क्लासिकल और उसको ब्लेंड करें. एंड वो तो कह रहे थे कि आप हमें कराची में बताओ आप लोगों को कब करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे. हालांकि
And I was like, "Achha, really? ठीक है, हम लाहौर में भी कर रहे हैं यहाँ पे, but you know, but alhamdulillah, in that sense, so kudos to you and the team के that is coming across, like maybe not in numbers जो हम देख रहे होते हैं, but I think कि एक on ground feel है, क्या और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबसे अच्छा कर रहे हैं शायद, सोचना यही चाहिए, you know that mentality का, अभी अभी सुनने वालों के भी अगर जब आप बात करें तो multiple का फर्क जाएगा, अगर कोई जैसे मेरे पास feedback आता है, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो different चीजें फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आप चीज देख रही होते हैं तो लोग कहते हैं कि कोर्सेज हम एआरएसएल की कैंपेन कर रहे हैं तो मदर यस्टरडे ही टेक्स्टेड मी कि यार आप ऑनलाइन कुछ नहीं करें मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो भी अगर यहाँ पर शुरू करते हैं समर्स में कुछ तो ऑनलाइन भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि अगर वो यूएस यूके में पढ़ रहे हैं तो वो बाद में उससे जुड़े रह सकें फिर खवातीन के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा तो हम उसको बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं करते बट छोटा मोटा कुछ ना कुछ चल रहा होता है ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो लोग अभी फीडबैक देते रहते हैं वी ट्राई ऑलवेज ट्राई कि हम उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकें और चीज़ें करवाई जा सकें बट ये बात अगर हो रही है तो आई वुड लाइक टू चाहिए कि काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे जुड़ सकते हैं बिकॉज हमारे पास काफ़ी जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स की लिमिटेशंस होती है कमी होती है ठीक है तो हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में वॉलंटरी काम कर सकता है जुड़ सकता है उस चीज़ के साथ लाइक वॉज दिस अ फैक्टर लाइक ये जब आप फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर थिंकिंग अच्छा यार मैंने दीन पढ़ना है तो वॉज दिस अ फैक्टर The, like the environment and like were you considering ke is waqt aap sufi mode mein the ki nahi yaar bas quran hadith bera jo kehte hai na jaise wo parkings wale pehle apna vlog start karte hain gaadi wale review ka to wo kehte hai ki aapka buying cycle kya tha theek hai aur kisi ke trigger what was your kaise shuru kiya tha ek to aapki primary cheez hoti hai fir secondary cheeze judti jati hai aur baad mein I think wo add bhi cheez hoti hai acha hum ye bhi kar sakte hain to mere liye jo jugaad tha wo ye tha ki दावा बाद में आई कि हम हमें और भी काम कर सकते हैं लेकिन साथ ये था कि मुझे उसको छोड़ना था और कोई नई चीज़ करनी थी तो आपको रिप्लेस करनी पड़ती थी अगर आप वो फॉर एग्जाम्पल हैव टू मुझे कोई चीज़ छोड़नी है तो मैं अकेला अगर मेरे पास उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी छोड़ नहीं सकता स्टॉक्स हो नहीं सकता इवेंचुअली मेरा रिलैप्स आ जाता है बोर्डम में किसी भी तरह से आपके दोस्त ऐसे हैं आपकी कंपनी ऐसी है वही सब कुछ है ठीक है बट यहाँ पे ये था कि जब मैं आया हूँ और ऑब्वियसली आई वाज एंगेज्ड विद सम अदर ऑपरेशनल थिंग्स सब कुछ तो मेरी वो एक सारा रूटीन इस चीज़ से फेल हो गई थी तो मेरी वो जुगाड़ था कि मैं बिजी रहूँ और सारी चीज़ छोड़ूँ और फिर ऐसा ऐसा चीज़ें बिल्ड होती रही दावा की भी बात आ गई हम ये करें सब कुछ करें और इट बिकॉज मेरा ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट से पहले वो था सब कुछ तो मैं एक गश्त पे गया इधर खालिद मस्जिद के वली के साथ ही तो मेरे एक वहाँ पे उमर भाई है तो उनके साथ गया था तो एक जमात आई हुई थी बनू से ठीक है अब कंसिडरिंग के तबीगी भी हैं बनू के हैं बहुत ही सादा बहुत ही नफीस इंसान ठीक है उनका नाम याद नहीं बट मैं उनके साथ गश्त पे उनको ले गया ठीक है तो हम कैवलरी सिक्स स्ट्रीट पे ना उधर फिर थे तो वॉज नॉकिंग एट द डोर्स और वो वही बात सब कुछ कि अपना जब कोई आता है तो उसको बता के कि हम कलमे की नस्बत से आए हैं और बात करें सब कुछ एवरीबॉडी वाज सेइंग ऑब्वियसली वो हक और सच वाली बात थी ठीक है कि बट वो ही वाज सेइंग थिंग्स ऑन हिज फेस एंड द अदर वन जो जिसके घर नॉक किया था वो बस सुन रहा था आई जस्ट रियलाइज के बात भी अच्छी है और ये हमारा काम भी है फर्ज भी है उससे कोई इख्तलाफ नहीं है ठीक है बट इनकी बात इनके दिल में पहुंची वो बिल्कुल खुलूस नहीं है से कह रहे बट वो एक लेवल उस तरह का नहीं है वो उनको कहीं इंस्पायर कर ही नहीं पा रहे ठीक है तो देयर आई थॉट कि यार मैं कॉर्पोरेट में काम करता रहा हूँ ट्रेनिंग्स और ये कस्टमर सर्विसेज हर चीज तो आई थिंक कि ये चीज मुझे करनी है बट वो जब करने की बात आई तो नॉलेज तो है नहीं कि बताना क्या बोलना क्या हदीस क्या कुरान क्या 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 होता है ठीक है तो फिर ये भी नीड थी कि कुछ सीखना है और सीखे बगैर ये चीज नहीं हो सकती बिकॉज अगर आप फिर सीखने के साथ उसका अमल भी अटैच होता है कि आपकी बाद में तभी असर होगा हाँ ये बताएं ना ये बताएं माशाल्लाह आप इतना पढ़ रहे हैं तो आप अमल में कहाँ पहुंच रहे हैं नहीं वैसे मतलब जेन्युइन नहीं ठीक है थोड़ा सेफ फेस करते हुए और हमारे प्रोग्राम का ऑन अ जेन्युइन लाइक इफ आई वाज जेन्युइन आई बोथ ऑफ यू लाइक मैं जेन्युइन मैं खैर फॉर माय सेल्फ ये जवाब हो सकता है बट कि कितना लाइक एक साल आपने इल्म पढ़ा है माशाल्लाह कुरान देखा है तर्जुमा पढ़ा है सारा कुछ तो व्हाट्स द अपसाइड व्हाट्स द डाउनसाइड डू यू थिंक कि हाँ यार अमल में बेहतरी आ रही है एंड अगर अमल में कुछ बेहतरी आई है तो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट क्या चीज़ें थी दैट यू नो लाइक जब आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ओपन हाउस हुआ एक अच्छी सी अटान भाई ने सबको बताया कि ये प्लान है और इस तरह चाह रहे हैं ये चीज़ होगी सबको बड़ा क्लियर पता था कि व्हाट वी आर साइनिंग अप टू तो कुछ चीज़ें उसी दिन होगी डिसाइड के अब मैं ये स्टार्ट करूं एंड आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स क्योंकि मेरी फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल मैं हर रोज शीशा पीता था अच्छा हर रोज रियली हर रोज
और मतलब गाड़ी रखने के बाद भी हर चीज छूट गई थी, शीशा बदल गया था क्योंकि एक आदत बन गई थी। एक वो हमारा होता ना कि रोज घर में बैठ के क्या एनर्जी थी वो, मैं फोटोग्राफर हूँ तो एडिट कर रहा हूँ, तो अब एडिट कर रहा हूँ गाने साथ लगे में और साथ शीशा जा रहा है और साथ एडिट हो रहा है, ठीक है। अब वो गाने छूट चुके थे लेकिन शीशा था कहीं कहीं, वो फिर एक वो भी हो गया था कि हराम नहीं है कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है। अठलान भाई सेठ के इस तरह की बात, अठलान भाई के नजदीक हराम है, ठीक है ना, ठीक है। वो उनका मसला है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बोला, सबको बोल रहे थे बट वो मुझे, क्योंकि कहते हैं ना चोर की दारी तिनका, तो मुझे उन्होंने कहा कि इसी, अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी कि अगर इसी चेहरे से आप इसी मुंह से आप कॉलर रसूलुल्लाह या कॉलर अल्लाह बोलेंगे और उसी से आप ये काम करेंगे तो इट हिट मी, आई थिंक दैट वाज 1st August लास्ट ईयर, और एक महीना अभी बाद साल हो जाएगा। तो मैंने उस दिन बस शीशा नहीं पिया, मेरे घर शीशा भी है, मेरे घर ग्रॉसरी में आपके जो कॉइल्स और वो पूरे फ्लेवर्स हर चीज ग्रॉसरी में आ रही थी, बिकॉज इतना भी बीता था कि मुझे पूरा स्टॉक महीने का। तो ये आपने अभी तक क्यों डिस्पोज नहीं किए, मतलब मैं कभी जरूरत में पड़ी है कि कोने पे खराब होगी, पता नहीं है कर ली। कुछ चीजें थी जैसे अब हम दुआ करते हैं या आप सुन्नत थी फजर के बाद औरत से जब वो नमाज के दरमियान ही एक दुआ जो थी वो करते थे कि ये जो मेरा इल्म है ये नाफे इल्म हो और मेरे रिस्क में मुझे वो रिस्क ताफ में जो सिर्फ नाफे हो सकते, तो वो कुछ लोगों ने उसकी तशरीह इस तरह की है कि नाफे इल्म क्या होता है, ठीक है। तो पहली जो बात कहते हैं वो ये कि जिससे आपको अल्लाह का डर है, जिसको पढ़ने करने से आपको अल्लाह का डर है, खशी अल्लाह, ठीक है। तो जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं ऐसी चीज़ करते हैं तो अभी हम इस स्टेट में हैं कि हमें रियलाइज हो जाता है कि अच्छा ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की अभी कोई बात करो या नहीं यार तो की पता है, ठीक है, या अब वो उस तरह का सीन ही हम गाली दे देंगे ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों से खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई आप छोटे लेवल पे भी कोई चीज़ करेंगे फौरन आपको रियलाइज होता है बिकॉज यू सराउंडेड बाय सो मेनी टोपी वाले दाढ़ी वाले बॉयज, ठीक है, कि कुछ भी करेंगे तो आपको पता है कि इट्स ऑड। तो एक तो फौरन पता लग जाता है तो आपको अल्लाह का डर रहता है, ठीक है। दूसरा आपके बैच में तो बिल्कुल भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, बिल्कुल भी। मगर खैर मैं ये सोच रहा था कि ये जो आप माशाल्लाह इनके आप मल्फूजात सुन रहे हैं तो ये बुजुर्गी एक साल में आ गई है, आप सुन रहे हैं ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये विल्म का जो एक खजाना बन चुके हैं। नहीं मैं माशाल्लाह जेन्युइनली लाइक आई वुड से लाइक डू यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू हैव दिस एक्सपीरियंस 1 year बैक एंड टू एक्चुअली शेयर दिस लाइक दैट, लाइक एक होता है नहीं होता ना उसमें आई नो माय सेल्फ एंड आई नो कि मैंने अपने अंदर के वो चीज को ना कैसे चीज हाउ थिंग्स वर्क में जो अंदर वाला रसलान है असल मैं तो हर किसी का होता है ना कि किस तरह से चीजें आप मतलब आपसे मैं बात करने आया हूं आपका एक अलग तरीका है मैं आपको बात करूंगी सॉरी ठीक है मैं तो आई नो हाउ टू डील विद माय ओन सेल्फ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करते हां अगर मैं कहीं और होता तो इतनी चीजें आप करिकुलम वाइज पढ़ नहीं रहे होते। फॉर एग्जांपल जब आप अभी हम पढ़ने बैठे हैं कि जी सफ नहा पढ़ते हैं क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, मतलब मुझे इसका क्या फायदा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कहा पढ़नी कोर्स का पार्ट है बट अभी जब आप नमाज में ही आपने अमा पारा पढ़ा कुछ ना कुछ आपको कभी कभी फीलिंग आ जाती है। वो कहते हैं कि इट हेल्प्स यू फोकस। अब वो फोकस ये नहीं कि आप जो है ना कभी डीफोकस या वो नहीं अनफोकस नहीं होते, ठीक है, फोकस ये होता है कि अच्छा फोकस उसका जो जिसका फोकस छूटे फौरन वापस आ जाए, जल्दी वापस आ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नमाज में जाते भी ना कोई ऐसी बात आती कोई आपको आया समझ आती कोई बात जब आप पढ़ने समझ आती तो आप एकदम फोकस कर देते, ठीक है। तो ये चीजें जो कि शायद मैं अकेले अपनी कैपेसिटी में नहीं कर पाता, कर भी पाता तो इस लेवल पे ना कर पाता कि रोज आप 3 घंटे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अभी पढ़ तो आप बिल्कुल भी नहीं रहे यार, मैं सच बता मैं कैमरे पे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता हो इसलिए निकाला गया था, इसने अभी तक कुरान का एग्जाम नहीं दिया। मैं तैयारी कर रहा हूँ महीने पहले पेपर हुआ मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा उसमें कैंपेन दिला दो ये कर दो वो कर दो ये भी तो कर। अच्छा मैं इसको हमेशा कहता हूँ तू अकेला काम नहीं कर रहा और तू अकेला बिजनेस नहीं कर रहा जो पढ़ भी रहा था सब करिए हजरत। आपने किया नहीं आए तो आप अपने टाइम से ही हर किसी का अपने पहले मुझे आप एग्जाम कब दे रहे ये बात घुमाए ना पेपर कब दे रहे हो यार आधा हो चुका है कल परसों। अच्छा ये अनफेयर है
like do you agree with this as a as a bachelor so hamare sath keh rahe hai na hamare sath unfair hai ki aap log zyada time le lekin aapne kaun sa koi dev upar lo kya aise dev girani hai aise lekin 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 with the kind of khidmat that he is doing to ha ji apne biwi aur bachchon ki khidmat jo ye kar rahe hain roz हर जगह इसने हर बंदे को टोपी कराई हुई है वो वाला नहीं होता कि वो जो असदुल्ला जो है ना कि तबलीगी को कह रहा है हाँ मैं तो चिल्ले पे जा रहा हूँ हमें कह रहा है मैं तो समर कोर्ट से जा रहा हूँ मैं सकर्दू जा रहा हूँ तो हर बंदे को उसने कहा हुआ है मैं जो है ना तुम लोग के साथ ही हूँ इसने अभी हालात बुरे होंगे ना पेपर नहीं हो रहा इसने अरसलान साहब को कॉल लगानी और फुल लबी डबी बातें करनी आई लव यू आई लव इस्लाम आई यू आर माय शेख अरसलान साहब ने मुझे कहना यार रहने दे यार आई नो ये मुझे पता है मुझे पता है इसकी दिल में कितनी चाहत है मगर ये कर नहीं पा रहा बस ये तो खुद अपने जो स्किल सेट है ना अपना खुद बताता है मेरा जो टॉप स्किल है वो ये है हैविंग माय वे विद पीपल एंड गेटिंग थिंग्स डन द वे तो वो तो जो चाहता है ये करवा लेता नहीं आपके लिए होता है स्ट्रगल लाइक आप इसको थोड़ा सा अकलमंदी है मगर नहीं मुझे आप ये बताए इसको आप मशवरा दें जेन्युइन आप बिजनेस कर रहे हो आपके भी बीवी बच्चे हैं ठीक है ना एंड आई कैन इमेजिन मसरूफियत है एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर टॉपिंग द क्लास ठीक है ना टच वुड माशाल्लाह ठीक है व्हाट्स द सीक्रेट नहीं पता क्या जो मेरा ख्याल है अरसलान की कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा है अपने काम में मैं ओन करता हूँ बिजनेस सो जो ओनर होता है ना वो किसी हद तक अपनी रूटीन के कंट्रोल में होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि मैंने ज्यादा चीजें डेलीगेट करनी होती हैं आप बात को अंडरस्टैंड करेंगे आप भी करें बस अंडरस्टैंड इससे हमने कभी पूछा हो आए नहीं आए टाइम क्या है डेलीगेट टीम भी है इस तरह तो ना कहो कि मेरी कोई 9 to 5 नौकरी है आपको हाँ यार मेरी बड़ी रिलैक्स अब मुझे कह रहे हैं इनसे इनको आप मशवरा प्रॉपर लाइक व्हाट हाउ डू यू बैलेंस इट हाउ डू यू बैलेंस इट देखो अरसलान जो ये कहलवाना चाह रहे वो नहीं नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ मैं अपने लिए भी समझना चाह रहा हूँ मेहनत क्या करो तुम बहुत काम चोरी कर रहे हो लेकिन मैं अभी बात मुझे मैसेज किया आज आखिरी दिन है पेपर देने का मैंने भी आके मैसेज किया ओके अच्छा मैंने कहा मैं इसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैंने कहा आएगा कि नहीं ओके अच्छा मैं जेन्युइनली मैं बेवकूफ मैं जेन्युइनली सोच रहा था रात तक भेज ही देगा यार आई थिंक हफ्ता हो गया इस बात को अब मुझे भी प्रेशर था मैंने कहा अब मैं महीने बाद पेपर दूं फिर फेल हो जाऊं ठीक है मैंने तैयारी की है ठीक है मैं पढ़ रहा था लेकिन वो मैंने कहा नहीं नहीं देखिए मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ पिछले सेमेस्टर में मेरा एक क्विज मिस हुआ कुरान का वो और उसकी वजह से मैं टॉप नहीं कर सका कुरान के अंदर उस एक क्विज की वजह से लेकिन देखें ये कुरान से ए माइनस आई थिंक हो गया था हाँ वरना मेरा मैं टॉप नहीं लीग में लेकिन दीन बस दीन में यही हम करते हैं कि बस चल रहा होगा काम चल नहीं नहीं अगर मैं वैसे शर्मिंदा कर रहा हूँ करना भी चाहिए वैसे इसको करना भी चाहिए तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा बट वैसे जनरली लाइक व्हाट एडवाइस डू यू हैव के बिकॉज मुझे खुद आप पे रश आता है इन द सेंस के मतलब बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो मेरी ऐसी मसरूफियत नहीं थी जो सच बात है मैंने जब इल्म पढ़ा था तो मैंने उस वक्त आई वुड अल्लाह करवाते हैं आसानी बट देर वॉज अ पार्ट ऑफ दुनिया दैट आई लेफ्ट एंड फिर उसके जो जलालत होती है आप घर पे बिजली लो रहे हो बीवी से बिजली लो रहे हो सारा कुछ यू नो द पैकेज इज देयर बट आपके माइंड में होता है कि ठीक है आई एम गिविंग टाइम टू इल्म बिकॉज आई फील आई एम नॉट समवन हु बैलेंसेस थिंग्स वेल तो मेरे लिए तो ये जवाब देना मुश्किल है मुझे कोई कह देना कि यार तुम फॉर एग्जाम्पल हमारी जॉब्स भी बिकॉज हम एकेडीमिया में तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं हमने एकेडीमिया में रहना है बिकॉज इट गिव्स यू टाइम टू डू नसीहा और एक्स वाई सी तो आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू नो आप लोग माशाल्लाह ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो बिकॉज आई हैव नेवर डन इट आई हैव नेवर डन अ फुल टाइम जॉब और बिजनेस विद स्टडीज तो लाइक क्या चैलेंज होता है एंड यू नो बिकॉज दैट इज वन ये सब यू नो मतलब एक बात है ना मैं किसी से पूछ लूं यार दीन पढ़ लो वो ये कहता है मैं मसरूफ हूँ यार तो वेयर डज दैट जर्नी स्टार्ट लाइक आपने कैसे वो डिसीजन लेते हो
एंड मतलब क्या था आपके लिए, क्या था लाइक? या सो आई थिंक जब जिस अरसलान ने अपना वो डिसीजन बताया ना, जिस सब उसका एक वो बाइंग प्रोसेस था इस पूरी चीज़ के अंदर, मेरा जब मुझे इस चीज़ के प्रोग्राम का पता चला था, मैंने एसेंशियल्स किया था पहले, वन ईयर वाला और वीकेंड्स पर होता सिर्फ एक बिल्कुल, वो वाला यू वर द वीकेंड बैच, जी सो वो दैट वाज समथिंग डूएबल, आसान था वो भी, मैंने हर आधी क्लासेस मैंने मिस कर दी थी उसकी, आधा किया होगा आधा नहीं किया होगा, बट जब मुझे पता चला ना कि अबाउट दिस फोर ईयर प्रोग्राम, दिस डेली, नॉट डेली बट फोर डेज अ वीक एंड देन थ्री आवर्स और थ्री एंड हाफ आवर्स अ डे इंक्लूडिंग कम्यूट फोर आवर्स और फोर एंड हाफ आवर्स, तो मुझे तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, देयर इज नो वे आई और एनी अदर वर्किंग प्रोफेशनल कैन डू दिस, एंड आई ऑल्सो कुडंट इमेजिन द सेम फॉर अ स्टूडेंट कि किस तरह कोई कर सकता है शाम के प्राइम आवर्स के अंदर, इस टाइम आप किस तरह कर सकते, दे सकते हो, और मेरा तो वो बिजिएस्ट आवर्स होते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग के अंदर शाम को आपकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं क्लाइंट से ऑफ चेंजेस एंड एवरीथिंग, ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट माई सेल्फ, बट यू स्टिल मैनेजिंग द टीम, देयर इशूज दैट कम अप, और यू नो, सो बहुत मुश्किल था, एंड आई थॉट नहीं हो सकता, आई टॉक टू अरसलान साहब, अरसलान साहब ने कहा कि कोई ना, तो अरसलान साहब ने कहा आपको तो मैंने करवाना है, मैंने कहा अच्छा, एक तो थोड़ी सी मुझे फील भी हुई कि अच्छा नहीं, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे करवाना है, तो वो दूसरा ये कि उन्होंने एक चीज़ जो मुझे कही ना, उन्होंने कहा कि देखें अगर आप रीज़न पे जाएंगे ना और आप लॉजिक पे जाएंगे या आप सोचेंगे कि कैसे होगा, फिर तो नहीं होने लगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, आपको यू विल हैव टू जंप इन, वो कह रहे हैं अभी तक समझ नहीं आएगी मुझे तो अभी दुकान माशाल्लाह आया, तो उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जंप इन, अगर ना हो सका तो व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, आप छोड़ दीजिएगा, तो मैंने कहा हाँ वैसे वाकई व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, बट मुझे ज्यादा जो चीज स्ट्राइक की वो ये कि यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और ये मैंने लाइफ में पहले भी एक्सपीरियंस किया है, डस हो जाती है, अभी हमारे पास भी कुछ क्यूरीज आ रही है, दो तीन दिन पहले एक लॉयर थे, रीसेट के मैं करना बहुत जरूरी चाहता हूँ ये वो सब कुछ, आप ऑनलाइन ये चीज दे सकते हैं अगर मैं ना आऊँ तो, बिकॉज मेरा 7-8 बजे काम शुरू होता है, बड़ा इम्पॉसिबल वाला टाइम है ये वो सब कुछ, तो उनको भी एग्जैक्टली ये बात शेख परी के इस तरह से मामला चलता है, तो आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है ठीक है, बट अगर आपकी वो प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट पे है तो यू विल मैनेज, अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, फिर ये भी चीज है कि आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बहुत बिजी होता हूँ, तो अगर इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ तो आपको पता है कि आप कितनी देर यूट्यूब पर गुजारते हैं, कितने फोन गुजार रहे हैं, सब कुछ करें, तो अगर आप उसको दिन में रखते हुए कंपैरिजन करते हैं कितना मैं फ्री हूँ कितना मैं हूँ ठीक है, तो फिर अगर आप अपने साथ जस्टिस करें तो आपको पता है यू कैन मैनेज चीजें, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि टीम है काम करने की, सबको अपना अपना पता है कि हाँ डायनामिक्स वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें मैनेज कर लेते हैं अगर करना चाहे, और फिर अगेन वो बात है यू हैव नथिंग टू लूज, के अभी मैंने उनको भी ये बोला कि वो फिर एक साल के प्रोग्राम पे चले गए वो वीकेंड वाला ठीक है, तो मैंने उनको भी बोला क्योंकि वो पहले स्टार्ट हो रहा है, अभी आपके पास 3 वीक्स होंगे, आप आए एक्सपीरियंस करें, आपको लगता है अच्छा लगा आप स्टार्ट कीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उस पर स्विच कर लीजिएगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना ये कि जो मतलब स्टार्ट करने से पहले जो आप सोच रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, ये नहीं बहुत मुश्किल है, जब स्टार्ट करते हो ना तो उतना मुश्किल नहीं होता, अल्लाह वैसे भी आसानियां करता है, 3 महीने पहले आपको एक रूटीन बनानी पड़ती है, पहले 3 महीने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड नेगेटिव, इफ आई फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू नॉट टू थिंक अबाउट एन एलिफेंट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता कैसे करूंगा यार कैसे होगा, इस वक्त मैं इधर होता हूँ ये होता हूँ वो होता हूँ, अच्छा मजे की बात कि अभी हमने इसका नाम भी रखा ना मदरसे का क्या सीन है, पॉडकास्ट का टाइटल भी वो इसलिए था कि लास्ट इन डेज में जब मैंने स्टार्ट किया तो फुटबॉल ठीक है या मैं नहीं आ सकता, क्योंकि पहले तो बिकॉज मैं टीम को 12-14 साल से चला रहा हूँ, कैप्टन हूँ, हर जुमे रात को ब्लाउज जुमे को ब्लाउज जब मर्जी ब्लाउज देते मुझे मैं पहुंच जाता हूँ ठीक है, तो यार वो मैं नहीं आ सकता क्या, या वो मदरसे का सीन, अच्छा व्हाट इज ये मैंने आपसे पूछना था, मेरे ज़हन में आ रहा था कि अब आप लोग जब लोगों को बताते हो, एक तो ये ना कि आप अपने से छोटों को बता रहे हो तो यू प्लेइंग फुटबॉल, बट लाइक व्हाट्स द रिएक्शन इन फैमिलीज, लाइक आप बैठे हुए हो ना, दे लाइक डू यू कॉल इट मदरसा, व्हाट डू यू से, शुरू शुरू में आपने पहली दफा जाने से जब आप कन्विंस करोगे फैमिली को, आप कभी भी नहीं कहोगे मैं मदरसे जाने लगा, आप मैं कहता था मैं कुछ वर्कशॉप्स हैं वो करने जा रहा हूँ, कुछ क्लासेस होती है मेरी, अब वो मेरी शाम को एक क्लास होती है तो वो मैं बस क्लास लेने जाता हूँ, हाँ अच्छा, हमने ये
एसोसिएट ऑफ इस्लामिक एंड लीडरशिप डाला ही इसलिए था कि आप लोगों को झूठ ना बोलना पड़े कि हाँ हम लीडर्स बन रहे हैं, तो हम नहीं बता रहे, मौलवी बना रहे हैं। सुबह शुरू में ये करता था, उसके बाद जब सब लोग हो गए क्या चाहिए शांत जाते, फिर मैं ऊपर ले गया था मदरसे जाना पहले। नाउ लाइक अब इज रिलैक्स नाउ, बट इनिशियली लाइक आई रिमेंबर मुझे ना पहले मैं ये कहता था यार मैं आई एम लर्निंग अरबिक, यू नो दैट साउंड्स Not awkward. मेरी जिनके साथ दोस्ती है, जो मेरे दोस्तों के बारे में बात करूँ, तो एक मैं हमेशा से एक लीडरशिप उसमें रहूँगा, तो आई कैन लिटरली फोर्स देम टू कम ओवर हियर, वो कहेंगे मुझे भी मौलवी ना बना दे, मुझे भी ले जाने का ना कह दे, सब कुछ इस तरह की चीज हो रही होती है, बहुत ज्यादा पूछ नहीं रहे होते। ये भी मसला है कि ज्यादा पूछ लो तो कहते तू आ जा फिर। अच्छा फिर यहाँ किसी को अपना पता भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये कहते हैं मुझे लेना जाए, और अगर मैं ज्यादा पूछेंगे तो मैं उनको ज्यादा बोलूंगा या आंसर करूंगा उनके आंसर, तो एक थोड़ा सा गिल्ट भी होता है। ठीक है, why I'm not doing this, ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम अलग है कि मैं घर पे दाके आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ इज ओके कि मैं मदरसे जा रहा हूँ, इनको लीडरशिप बताना पड़ा, किसी चीज़ को कुछ और बताना पड़ा, हमारे पास कुछ लोग हैं जो कुछ बता के भी नहीं आ रहे, ठीक है, पहले पहले स्टार्टिंग में नहीं बता के आ रहे थे, ठीक है, जो कि आई थिंक नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट लाइक फैमिली शुड बी ऑन बोर्ड, अनलेस लाइक आई वुड से कि एक ये है ना सिचुएशन कि आपका हो कि यार मेरे, एंड ये भी होता है कि वालदैन मतलब खिलाफ है, नमाज भी नहीं पढ़नी, ये भी नहीं करना, वो नहीं करना, फिर चलो आई वुड अंडरस्टैंड आप पे फर्ज है कि आपने तब भी इल्म हासिल करना है चाहे आपके वालदैन भी मना करें, बट आई थिंक अगर वो बेसिक्स कवर्ड है, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एटलीस्ट इन आवर कल्चर दे हैव देयर बेसिक्स कवर्ड, बट उनको लगता है इस लाइन से आगे मैंने नहीं पढ़ना, तो हाँ पांच वक्त नमाज भी है, ज़कात भी है, हज भी है, रोजा भी है, ठीक है ना, लोगों से अच्छा भी होना है, बट एक सर्टन लाइन है, जैसे यू नो कि फिजिकल अपीयरेंस को नहीं छेड़ना, यू नो मतलब बहुत ज्यादा ये रोजे और ये मदरसा और कुरान, बस भाई इतना काफी है, एंड जो सच बात है इट इज मोर देन एनफ टू गेट यू टू प्रॉब्ली यू नो लाइक अल्लाह की रजा उसमें भी है, बट आई थिंक लाइक हमारे तो बस यही होता है कि यार कि बस मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, यू नो दैट्स जस्ट ड्राइविंग यू। ये है ना कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं और आप दाढ़ी रखते हैं या जुबा पहनते हैं, कोई भी सुन्नत फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यू आर डूइंग आउट ऑफ योर लव विद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और ये बात आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपकी एक सिर्फ मोटिवेशन और ड्राइव कुछ और है, ये बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को समझा या बता नहीं पाते और वो इसको एज अ एक्सट्रीमिज्म देख रहे होते हैं, ठीक है, कि यार अच्छा ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं पढ़ना ठीक है बट ये क्या मतलब तुम शादी में भी नहीं जाओगे, मेहंदी हो रही तुम्हारे घर, ठीक है, तो ये क्या बात हुई, ठीक है, मतलब वो आंटी तुम्हें प्यार दे रही, तुम सारी साइड पे कर रहे हो, इतने वो सीखना पड़ता है आपको ना, वो मैनूवर्स आपको सीखने पड़ते हैं, वो शोल्डर ड्रॉप जो है ना थोड़ा यूं कर देना उस वक्त बाथरूम आ जाएगा। ये पहले पहले 3-6 महीने क्योंकि आप भी अगर थोड़े से इमेच्योर होते हो, बिकॉज आपके लिए भी चीजें नहीं होती हैं, यू डोंट नो हाउ टू टैकल, ठीक है, लेकिन आई थिंक पहले सेमेस्टर या 6 महीने बाद जो फिक ऑफ दावा वाला आप पढ़ रहे होते चीजें पढ़ रहे हो, जब आपके पास जाती हैं तो आपको फिर दूसरे की इमोशंस का भी ख्याल होता है कि यार मैं ऐसा तो करूं बट इसको हर्ट ना हो, ठीक है, या अनकंफर्टेबल फील ना करें, तो फिर आप इस तरह नहीं स्नीक आउट करते कि अगला अनकंफर्टेबल फील करे, बट आप यू वर्क इट आउट कि किसी ना किसी तरीके से कि मैंने कैसे करना है, तो ये भी चीज एक है कि 6 महीने में मेरे ख्याल से मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है कि कैसे चीजें टैकल करनी। अच्छा आप ऐसा नहीं करोगे ना अगर आप मतलब बिकॉज वी हैड केसेस इवन इन यू नो आप लोगों को पता ही है आगे पीछे ASL में भी इवन दूसरे कोर्सेज में होता क्या है कि व्हाट दे डू इज के वो पढ़ना भी है और फिर पेरेंट्स को भी बिल्कुल जो है ना जूती पे रखना है, अल्लाह माफ करे, एंड उससे क्या होता है कि वो अब अच्छा वो देख रहे हैं कि यार ये दीन पढ़ने जा रहा है और बात करने की तो उस बंदे को तमीज़ ही नहीं है मुझसे, अच्छा उनको लग रहा है कि हम पता नहीं कोई मुसब्बिन उमैर तलानो बन गए, हालांकि अल्लाह माफ करे, यू नो यू नॉट इन दैट सिचुएशन, एंड पता नहीं किसकी सुन्नत पे अमल, बिकॉज दैट्स नॉट द वे, हमारे नबी पाक ने ऐसा नहीं किया, लाइक अभी मुझे इब्राहिम अलैहि सलाम की सीरीज करा रहा था कि यू सी द वे ही स्पीक्स टू द अपने वालिद साहब से एंड मोमेंट तक वो जिस तरह बात कर रहे थे हालांकि वो शिर्क कर रहे थे, तो आप उससे एक्चुअली सीखते हो कि यार आपने कुछ जगह आपने मतलब तमीज एंड रिस्पेक्ट नहीं यूज कर सकते, एंड मतलब लाइक अच्छा लाइक तो अभी मैं अगर पूछूं एंड दिस इज यू नो ये मुहासबा है मेरे लिए भी आप लोग, अभी मैं आपकी पूछूं आपकी फैमिली से कि एक साल में क्या चेंज आया, एंड दे डोंट केयर इफ यू नो अरबिक और नॉट, दे कुड नॉट केयर लेस कि आपको हदीस रट गई है या नहीं, दे डोंट विल दे से मैं सलाउद्दीन भाई की अगर अभी अहलिया मोहतरमा को कॉल करूं या वालदा से पूछूं
क्या कहेंगे वो सीरियस होता है ना या या सो वो मुझे ऑल्दो आपको पता है बीवियां आपको कभी भी नहीं मुझे तो नहीं पता मुझे तो नहीं पता पता तो आपको है ये आपका अपना ये जो बात कर रहे हैं ये अपनी उस पे कर रहे हैं जी आप बताएं चले मुझे तो पता है कि बीवी बीवी कभी तारीफ आपको मुंह पे नहीं करती ऐसे क्योंकि उसने वो यूज करना होता है लेवरेज करनी होती है ना उसने नहीं नहीं मेरी बीवी नहीं मैं जानता हूं नहीं मैं जानता हूं ऐसा ही है नहीं नहीं मेरे ख्याल से सॉरी मेरे केस के अंदर जो मेरी वाइफ है वो मेरे मुंह पे कहती हैं कि तुम्हारे में विजिबल चेंज है आफ्टर ऑल्दो आई डोंट फील इट मैं कहता हूं मैं तो हमेशा से ऐसा था ये कह रहे हैं अच्छा मैं तो पहले भी अच्छा था लेकिन शी थिंक्स दैट जो है ना उसके अंदर इखलाक के अंदर खास तौर पे बीवी में आपके रिलेशनशिप में वो ज्यादा आपके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है एंड आई थिंक कि इट्स नॉट समथिंग कॉन्शियस फीस डबल होनी चाहिए मुझे तो लग रहा है लोगों को तब्दील कर रहे हैं द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इट्स सॉल्विंग आई समझता यार नहीं बट माशाल्लाह यार दैट्स ग्रेट टू नो आई कैन नॉट से द सेम फॉर माय सेल्फ बट इट्स बिकॉज़ आई डिडंट स्टडी इन नसिया यू नो सो यू गाइस आर सो लकी लेकिन ये कि इट्स नॉट बच्चे अच्छा व्हाट अबाउट किड्स लाइक डू यू थिंक लाइक the house is now seeing acha yaar salaam and do they then support you more now so like if you're saying acha mujhe ab for example hum agle saal kar bhi sakte hain hum 5 din kar dete hain so do you think the support will be there because of that lekin jo time ka compromise hai na the only challenge I'm facing is family and that's is realization se nahi wo farak padta theek hai wo aap acche ho rahe hain everything but unko time chahiye और बच्चे तो बिल्कुल भी इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाते मतलब माय डॉटर्स आर लाइक 5 and 8 6 and 8 तो वो उस एज के अंदर तो उस मतलब दे जस्ट नीड टाइम और मैं हमेशा उनके साथ अच्छा था और सो मेरा एक्चुअली थोड़ा केस इस तरह का भी है कि जैसे अरसलान ने ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में फील की है ना वो इस वजह से क्योंकि अरसलान टॉप परफॉर्मिंग दुनिया में भी था और टॉप परफॉर्मिंग दीन में भी है आई वाज ऑलवेज एन अंडर परफॉर्मर सो मैं दुनिया में भी अंडर परफॉर्मर था और दीन में भी ये लो लाइट पे रहने वाले ये अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी दीन और दुनिया में ठीक है तो हम कोई मतलब कि हक नहीं नहीं मैं कूड़े में से निकल रहा हूं इस वजह से कह रहा हूं कि इतनी आजी भी ना वैसे मैंने देखा अच्छी नहीं है सही है ना नहीं नहीं आजी की बात मुझे लग रहा है इसके घर पे इसकी अब इतनी तारीफ हो रही है कि ये कह रहा है मुझे अपनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है ये भी होता है कि लोग ही इतना अच्छा कह देते हैं कि बंदे को अपने आप को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं नहीं पर मेरे लिए इट्स डेफिनेटली बीन अच्छी बात है बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि अगर बाहर के लोग तो बहुत सारी चीजें बिकॉज़ उनसे इंटरेक्शन कम हो रहा होता है फिर अपेरेंटली वो ज्यादा वो हो रहे होते हैं लेकिन घर वाले जो है स्पेशली अगर स्पेशली बेगम ये बात करती है तो आई थिंक ये तो एक अच्छी बात है बिकॉज वो ये ना कि जब आपके घर वाले आपको बेहतर कहते हैं स्पेशली बेगम ठीक है तो दैट्स द बेंचमार्क दैट इज दैट आई थिंक वो अल्लाह का वली है जिसकी बीवी कह दे ना मैं उससे बैत करूंगा ठीक है सीरियस मैं सीरियस हूँ मतलब यार कि आज आपको बंदा मिल जाए ना जो उसकी बीवी का यार ये गुस्सा नहीं करता जबान नहीं चलाता मैं जितना भी नब दूं बस अल्लाह का वली एंड आई वुड से कि मतलब उससे अलग हमारे माइंड में हमारा कल्चर क्या कहता है कि यार ये मर्दानगी नहीं है सारा कुछ ना एक टॉक्सिक जो आपको एक कल्चर मिलता है आजकल यकीनन मगर मैं सॉरी बोल देता हूँ नहीं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि थोड़े एग्रेसिव था मैं बहुत ज्यादा स्पेशली काम करवाने में काम करने में कोई चीज नहीं होती तो वो बहुत कम है अब बहुत मैं बहुत जल्दी अब रिएक्ट नहीं पड़ता थोड़ा एक वो हो जाता है कि यार अगर बहुत कोई वर्स्ट सिनेरियो भी चीज हो जाती है तो एक थोड़ा सा होता है ठीक है कोई बात इसमें कुछ बात होगी वो उस तरह का थोड़ा सा आप अपने रिफ्लेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या करती है लेकिन आप एक पैनिक होकर कोई बोंगे नहीं मारते ठीक है या ऐसी कोई चीज़ करें जैसे आपने कहा आपने किसी से बदजुबानी कर दी या कुछ गलत कह दिया या बेगम के साथ या घर वालों के साथ कि जिस पे आप बाद में दोबारा रिग्रेट करें ठीक है तो वो उसमें एक चीज़ है कि थोड़ा सा आई थिंक बेहतरी है मेरे स्पेशली टीम वाले तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं कभी क्योंकि मैंने कभी गाली दिए बगैर बात शुरू नहीं की थी टीम कैप्टन फुटबॉल में तो उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है तो वो बेहतर हुआ बेहतरीन है एक मैं चाहूंगा कि अब हम मिस्टर हारिस खान को थोड़ा सा टाइम दे दें या बिल्कुल सो मैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं आप नहीं आप ये सुबह उठ के आए यासीन साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैं सुबह नहीं आ सकता
मगर माशाल्लाह अल्लाह इसको जैसा खैर दे एंड बस सही है। बस एक एक सवाल आखिरी सवाल था, मेरी क्लासेस कब रिज्यूम हो रही है? रिज्यूम कब हो रही है? हाँ यार 22nd से तो नया बैच है। अच्छा आप लोग हफ्ता पहले बुलाएंगे? अच्छा मेरे ख्याल हफ्ते बाद। अच्छा हफ्ता पहले क्यों भाई? तो, हफ्ता बाद यार आप लोग का थोड़ा ब्रशअप करना होगा। आई नो ब्लैंक, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने न्यू बॉर्न बेबीज की तरह आना है। अभी भी पेपर देना, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे सब हाँ, ये फायदा है। इसने तो ब्रेक स्ट्रेटेजिक इसको तो मैं इसको मिड अगस्त से छुट्टियां दूंगा कि यार तुमने पूरे समर पढ़ाई की है, तो आप इंशाल्लाह दिसंबर में ही फिर डन है। डन चले जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आ जाए आरिफ भाई, बेसिकली अब हमने वो होता है ना कि दावत दी है दूसरा है कि होता है ना कि सलाउद्दीन का एक नौजवान वर्जन आ गया तो फ्लिप हो गया। दूसरा आप हमारी गुर्बत देख लें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चार कैमरे ही नहीं थे कि हम चारों को कर सके अकोमोडेट, तो लोग डोनेट कर सकते हैं उसके लिए। तो ये है कि जो कैमरे के लिए प्लीज एक सोफा और एक हाँ एक सोफा, एक माइक, एक ये वाइट वाली टेबल डोनेट नाउ डोनेट है कि हम एटलीस्ट चार लोगों को तो इस पॉडकास्ट में बुला सके। मगर ये भी ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। और हारिस भाई ईद सीट ठीक गई? ईद सीट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। उठियां छुट्टियां चल रही हैं आपका? हो गया बीएनयू ऑफ है? नहीं नहीं चल रहा है अभी। चल रहा है? अच्छा सेमेस्टर में, हाँ समर में ऑफ है, समर ब्रेक। आपकी तो छुट्टियां भी लेट, आई थिंक बीएनयू का अजीब ही कोई साइकिल है यार, पता नहीं। नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, मई में ऑफ हो जाती हैं चीजें। आप लोग जून में ऑफ हुए हो? वो तो अभी इस बार हुए, इस बार खाली, इसमें कोविड की काफी ब्रेक्स आ गई थी। अच्छा अच्छा, एंड कितनी अब 2 महीने की छुट्टी है? अब 2 महीने की छुट्टी है, 2 महीने की छुट्टी है। एंड नसीहा हमारा कब ऑफ हुआ था? मिड में, डेट्स में बहुत बुरा हूँ, डेट्स में बहुत बुरा हूँ, खुद नहीं याद आ रहा। आई थिंक मिड मे था, मिड ऑफ मे, रमजान के बाद शुरू हुआ था, मिड ऑफ मे ऑफ हुआ था ना। अच्छा तो सही है, काफी टाइम है। क्या चला 2 महीने में? मैं तो सोचूं अरबी सीखूं नहीं तो पिछले 2 साल से हमने कोई उसमें डंडियां मारी है ना। ये हमेशा कुछ भी इससे पूछना कैसा जा रहा है, बेहतर हो सकता था। एतकाफ में बैठे हुए 8वां दिन है, ये ऊपर से आता है ताकि आप उसको भी ना कह सके जैसे आप मुझे कहा तू ये नहीं करते बोलिए ना ऊपर से। ये सीनियर है ना, सीनियर बैच तो ये इसको एतकाफ में बैठे हुए 8वां दिन है। 8वें दिन तक यार लोग कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गए होते हैं यार, कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रही, फील नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा अंदर। क्या होगा क्या होगा, जब पहले जो है ना फरिश्ते नहीं नजर आएंगे ख्वाबों में। नहीं नहीं मैं पहले से अज्यूम कर लेता हूँ ये अचीव करना है 2 महीने में, 1.5 महीने में गोल बना लेता हूँ छोटा सा एक, जिसे कहते हैं। तो वो जब अचीव नहीं होता मैं कहता हूँ बस सही है, फिर अगर अचीव हो गया तो फिर सेट, वरना फिर ठीक है बस हो गया चल पड़ा। लेकिन मैं जान के अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रखता हूँ गोल, ताकि कुछ ना कुछ अचीव कर सके। अभी प्लान है कि 2 महीने में थोड़ी खुद से पर्सनली प्रैक्टिस करके अरबी सीखें कुछ। अगला साल इंशाल्लाह कुरान है पूरा, तो कुरान में अगर अरबी ना आती हो तो क्या मजा आएगा। खुद से बैठ के करोगे? नहीं मैं तो आपसे ही बात करने वाला था, पॉडकास्ट की बात करते हैं। नहीं मेरे से बिल्कुल ही बात ना करो, आप बॉयस को पकड़ो ना यार, बैच वालों को बैठाओ, इनको बैठाओ। बाय द वे ये आप लोग करते नहीं है, आप लोग इंटर बैच बैठे हैं कुछ करें यार, आप लोग इन बुजुर्गों से कुछ मुफी मुस्तफी। मैंने वैसे साजा से बात की थी, जामी साहब से पूछे, जामी साहब से पूछे, जामी साहब इतनी टाइम वो कह रहे थे हमारे मदरसे आ जाओ ठोकर पे चले जाओ, तो चले जाओ वो ऐसे एक्सपीरियंस होगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सादगी, थोड़ा एसी ना हो, थोड़ा एक वो ना मजा। मैंने कहा था मैं 1 महीने के लिए वहीं आ रहा हूँ, सोऊंगा भी वहीं, लेकिन शेर खान चला गया बीच में। शेख तो हमारा, अब घर में किसी को तो होना चाहिए ना। हाँ तो घर में, अपने घर में एक तो ना एक्सट्रीम डिसीजन होता है, पहले मदरसे तो चले जाओ, कह रहे नहीं मैं जाऊंगा तो सोऊंगा भी वहीं, क्यों भाई घर चले जाओ यार। ट्रैवलिंग क्या करनी है, इधर उधर घूम, गर्मी में और भी काम है, ये ना करने के बहाने यार। आप सीरियसली वैसे दैट इज अ ग्रेट डिसीजन, आप लोग भी कोशिश करें अगर टाइम मिले ना सुबह पकड़ लें उनसे टाइम यार। ये मैंने एक टाइम बिफोर आई जॉइंड माधो तिरमिजी फॉर्मली ना, तो मैंने 3 महीने ऐसे पढ़ा था उनसे, ठीक है, कि बस मैं जाता था, मैं उनकी किसी एक ऊला की क्लास में बैठ जाता था, हालांकि मैंने सानिया किया हुआ था पास, बट मैं बैठ जाता था एंड बस वो अरबी कुरान बहुत फायदा होता था, मैं 1.5-2 घंटे देता था, फिर वो बढ़ाता गया। तो ये एक्चुअली फायदा होगा, इंशाल्लाह नियत है, वो एक फॉर्मल मदरसे का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। Exactly. तो ये है सीन। हाँ ये जो मैं इनसे सवाल कर रहा था, मुझे आपसे उस वक्त बैठे थे, मुझे आप ज़हन में आ रहा था कि आप क्या कहते हो बीएनयू में, बीएनयू में हाँ मदरसा पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ वैसे मैं कहते तो मदरसा पढ़ रहा हूँ। अच्छा मदरसा फिर कोई मसला है, फिर कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं वैसे डिपेंड्स कि मैं बात किससे करूँ और मौका क्या है, तो मैं देख लेता हूँ अगला बंदा समझने वाला है या नहीं है। कुछ जो जिसका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है उस तरह से, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है रिलीजियस, तो मैं उसको बताता हूँ कि यार देयर इज एन इस्लामिक इंस्टीट्यूट,
तो नसीहा इंस्टीट्यूट वेयर आई एम डूइंग दिस इस्लामिक कोर्स, तो कहता है इस्लामिक कोर्स में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि दे टीच अस द बेसिक अरबिक एंड बेसिक फिक बेसिक रूल्स कि आप इस्लाम में क्या होना चाहिए, हमें पता नहीं है बेसिकली, हम बिल्कुल ही अनएजुकेटेड और बिल्कुल ही इलिटरेट हैं अपने दीन के मामले में, तो वो हमें बेसिक चीज़ें बताते हैं, ऑब्वियसली आलिम नहीं बनाते एक, जैसे कहते हैं प्रॉपर फुल फ्लेश्ड आलिम, लेकिन इतना बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि आप पर्सनली कुछ डिसीजन ले सकते हो, आपकी कोई एक अपनी पर्सनली कोई सोच बन सकती है, कोई ओपिनियन बन सकता है, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। तो मैं अगर किसी से भी अभी भी किसी से भी बाहर चलते हुए पूछ लें कि आप मुसलमान क्यों हैं, क्या पर्पज़ है इस्लाम का, इन चीज़ों का, तो जवाब नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ये बताता हूँ कि ये जो बेसिक सवाल है ना, पर्पज़ ऑफ लाइफ, हम मुसलमान क्यों हैं, जो अकीदे की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम मैं सीख रहा हूँ, उसको मैंने सेटल करना है। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको नसीहा में आके पता चली हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप भी जैसे उन्होंने कहा कुछ आप बेसिक क्वेश्चन बाहर जाके करें ना, तो लोगों को नहीं पता, अब वो नहीं पता इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल के पहले तो ये बात है कि आपके अंदर ये रियलाइजेशन हो कि ये भी कोई चीज़ है जो मुझे पता करनी है, ठीक है। मतलब अगर हम सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जनाजा पढ़ानी, ठीक है, अभी वो अहमद काजी साहब उस दिन जो बयान कर रहे थे उधर इतकाफ में, ठीक है, कि हमारे क्या जिस कंपनी में मैं फिर रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, तो क्या मेरे लिए बाद में दो रकात पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ा सकते हैं, मेरा ये सारी चीज़ें, गुसल देना, सब कुछ करना, ठीक है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि पता नहीं है, ठीक है, एक ऑकवर्ड साइलेंस और एक ऑकवर्ड मूवमेंट भी हो जाती है उसमें कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो लोगों को नहीं पता होते। अब जब आप इस तरह कोई किसी को देखते हैं, कोई भी ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने घूम रही होती है, ठीक है, रॉन्ग एग्जाम्पल, तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन या कोई बात और कर रहा है उसमें आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता, तो आप एक रियलाइज करते हैं कि यह चीज़ है, फिर एक आपको फिर ट्रिगर होता है वहाँ से कि मुझे करने की जरूरत है या नहीं। अब जो थोड़े से सीरियस लोग होते हैं, जो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है या उनको थोड़ी गट फीलिंग आती है, तो दे साइन अप फॉर समथिंग, या अगर कोर्स साइन अप नहीं करते, एटलीस्ट आप पे यूट्यूब पे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं उस दिन आपको बुरी भी एग्जांपल है बता रहा था कि मुझे सजदा साहब के बारे में नहीं पता था। मेरी पहली चीज़ ही वो थी कि जब मुझे पता लगा कि यार एक इमाम ने एक्स्ट्रा सजदा करा दिए, आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ, ये बताया होगा, ये तो मेरे साथ ही हुआ था। अच्छा, देख लें, पहली बार जब एक दफा हुआ हमारी मस्जिद में, एक सलाम फिरा नीचे दोबारा सजदा कर लिया, मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, तब छोटा था, 16 साल का था मेरे ख्याल से, मैंने कहा 16 साल का मैं छोटा था, बस सही बात है, 16 साल बालिग हो जाता था, तब हमारे दौर में बालिग जल्दी होते थे, तो अब थोड़ा जरा पता नहीं क्या मसले, नहीं ये उल्टा है, उल्टा है भाई, अब और जल्दी होता जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, बाल आते नहीं है वो, तो बिल्कुल ही खत्म से, ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, बट लाइक आई थिंक लाइक एवरेज इज लाइक हम स्कूलों में देख रहे हैं 11 12 बॉयज के लिए एवरेज है। 16 की बात करें, आई वाज 27, ठीक है, 27 28, ठीक है, जब मेरे साथ हुआ, और मेरे साथ ये हुआ कि पहले इमाम ने असर पे, मैं जेल रोड पे एक मस्जिद है वहां पे नमाज पढ़ा था, और वहां पे असर में उन्होंने करा दिया, और मुझे समझ नहीं आया, मैं सब कर लिया, ठीक है, जब मैं अपने घर गया, अपने घर गया सेम डे मगरिब पे, ठीक है। अच्छा, ये वो दिन थे, मैंने नया नया तारीख में सुनना शुरू किया था, अच्छा, नमाज पढ़नी, अभी मैं पेंट में था, क्लीन शेव था, पेंट से फोल्ड करना शुरू की थी, पेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले सारी जिंदगी निकर में गुजारी है, ठीक है, क्या तू कुछ ढका हुआ था, कभी ये भी फील नहीं हुआ ना कि अब आके लगता है कि मतलब कभी हम अगर कोई निकर पहन के फिरा, कभी रिलाइज भी नहीं किया कि ये यार क्या करें, ठीक है, अब लगता है, ठीक है। अच्छा, तो वो हुआ ये कि मगरिब पे भी सजदा साहब हो गया, ये वैसे कौन चुने से भाई, कच्चा हो गया कि ये क्या सीन है यार, ठीक है। अच्छा, अब शर्म भी आ रही है, किसी को बता भी नहीं सकते, और घर पे भी कोई ऐसी वो नहीं आ पूछे, अब अगली बात है भाई ने क्या किया, जस्ट सिंपल काम होता है, गूगल खोल लिया, गूगल के लिए उस पे लिखा क्या आपने, एग्जैक्टली टू सजदा अगेन इन टू रकअत, ठीक है, अब कीवर्ड कोई नहीं पता, ठीक है, द फर्स्ट वाज के एक्स्ट्रा सजदा ही आता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के मैंने तीन चार न्यू इस्लाम प्रेयर, न्यू प्रेयर इन जेल रोड, ठीक है, मैंने दो चार कम्युनिकेशन वाले कुछ नहीं मिला। अच्छा, फिर मैंने ना अब अपना मेरा एक जो खराफाती माइंड जो भी उसे कहते हैं, ठीक है, वो आया, मैंने कहा यार आज कोई स्पेशल डे है, ठीक है, हाँ कुछ मुहर्रम टाइप चीज है या कोई और ईद का दिन, दुनिया सजदा भाई, मैंने कैलेंडर खोला, वो इस्लाम में कैलेंडर क्या डेट है, फिर मैंने उसको कीवर्ड सर्च किया कि आज की डेट पे कोई ऐसी चीज होती है, कोई नई नमाज होती है जिसमें एक्स्ट्रा सजदे होते हैं, मुझे आज से नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, अब फिर नॉर्मली जो मेरा ख्याल से साइकिल होना चाहिए वो ये कि आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद जहाँ पे मैंने सेकंड नमाज पढ़ी उसके पास जाते हैं, मैं कहीं जज करेगा, ठीक है, और मैं ना फिर जेल उड़क ले दिन दोबारा गया, उससे मैंने पूछा कि सर आपने ये कल किया था तो क्या सीन था, वो फिर इसी तरह हंसा जैसे कि, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया इमाम ने,
ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर एड्रेस, ठीक है? अब ये एक ट्रिगर हुआ कि यार ये चीज़ें कितनी बेसिक है पता ही नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा बेहतर, ठीक है, अब आप जो आपने बात की ओपिनियन ड्राइव कर सकते हैं, आपको बेसिक इस्लाम बताते हैं, ठीक है? अब मैं बेहतर सर्च कर रहा हूँ और तीन तरीके आ रहे हैं, ऐसे ही है भाई, किसको सुनना है मैंने, ठीक है? वो कहते हैं हनफी ये, शाफे ये, मैं कौन हूँ भाई, ये हनफी कौन है, शाफे कौन है, ये काफिर है, ये मुसलमान, ये क्या है, चक्कर क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें अभी बात करता हूँ अभी, हाँ आगे भी। यासीन भाई मैंने वो इमाम हम्बल की एक सीरीज थी इमाम, मैंने कहा ये देखते हैं, ठीक है? वो मैंने छोड़ा, क्या कहते हैं, टॉमी शेल्बी क्या नाम था उसका, आपस में इख्तलाफ है। अब हम इस तरह इसको परसीव करते हैं, ओपिनियन डिफरेंट है और हमें पता है कि हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मुखलिस तरीके से वो चीज ड्राइव कर रहा है और हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है सब कुछ। ये यहाँ आके थोड़ी चीजें एक रैशनल तरीके से पता लगी, सब कुछ पता लगा, उससे पहले बस यही लगता था कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, कि आपस में कोई मसला नहीं है और ये सब कुछ है। तो आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है? कई करिकुलम में हो जाता है, कई डिस्कशन से हो जाता है, कई आप खुद फिर सर्च कर रहे तो इतने हो जाते हो। Exactly. अभी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप रिटेन कर लेते हैं और कुछ चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, बट एग्जैक्टली मुझे पड़ता है कि मैंने कौन सी बुक या कहाँ जाके देखनी है तो मुझे दोबारा मिल जाएंगे, आई कैन रिकॉल देम कि कहाँ कहाँ पढ़ी हैं, उससे पहले तो कीवर्ड ही नहीं आता, ठीक है? तो यस, मैं आज वो कहते हैं ना कि इफ यू फॉलो ऑन फेथ यू स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? तो ये भी एक है कि आई थिंक इसकी बरकत से कि आप चीजें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिल रहा होता है जो कि आपके बाद में किसी ना किसी बस्ती में काम आ जाता है। इसी से जो है ना मेरी स्टोरी क्या है कि एक सहफ हो गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया, ऊपर से हम बहुत शरारती थे, सारे बॉयज ग्रुप था तो हम किसी की टांगे खींचती नहीं, कभी कुछ कर देना और सारी जो बच्चे हरकतें करते हैं। तो खैर मतलब मुझे तो ये हमेशा से था ना कि ये मैं जहाँ पे रहता था बेसिकली पहले तो वहाँ पे तो मस्जिदें थी ना कि ये है जी बरेलवी भाई की, ये अलीज़ भाई हैं, ये देवबंदी भाई हैं और ये वाले दूसरे भाई हैं। तो मुझे तो लगा कि शायद इस जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे इनका अलग तरीका है नमाज़ पढ़ने का, जैसे होता है तो दूसरी मस्जिद में जाते हैं वो रफा दैन करते हैं, इधर शायद दो सजदे एक्स्ट्रा करते हैं, ऐसा कुछ होता होगा, कहीं और जाओ वो कुछ और करते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या है, अब इतना कुछ है मेरे सामने प्लेट में, मैंने खाना क्या है बेसिकली, मैंने क्या चूज़ करना है, मुझे तो एक सीधा सिंपल रास्ता चाहिए जो मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकूं, मुझे उस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, मुझे तो एक रास्ता दिखा दो सही कि मैं वो कर लूं। तो बेसिकली जो मैं बात करने चाह रहा हूं कि यहाँ पे नसीहा में आकर एएसएल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर आकर हमें जिस तरह उसाजा ने पढ़ाया, देखिए आपने हर तरह के लोग हैं, कभी उन्होंने किसी पर बात नहीं की, कभी फिरके की बात ही नहीं की कि हम ब्रेलवीज़म को प्रमोट करें या अहले हदीस को प्रमोट करें। ऑब्वियसली जो हर उसाजा होते हैं उनका एक ओपिनियन होता है, वो अपना ओपिनियन बताते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कुरान हदीस नहीं है, कुरान हदीस के सामने है, ये मेरा ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं ठीक भी हो सकता हूँ। जैसे हर कोई अपना ओपिनियन देता है हर फील्ड में, डॉक्टर्स अपना देते हैं, साइकोलॉजिस्ट अपने देते हैं, तो स्कॉलर्स अपना देते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मुफ्ती अखलाक है हमारे पास, उनकी सारा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस में है, इस्लामिक बैंकिंग में है, तो उनका उसमें एक बहुत ज़्यादा उबूर है, वैसे तो हर चीज़ में है लेकिन एक स्पेशलाइजेशन उसमें है। मुफ्ती अंसार की अलग है, कारी अहसान की अलग है, अरसान साहब का एक अलग तरीका है जिस तरह वो मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ में बात करते हैं, आपका एक अलग तरीका है जिस तरह आप अरबिक में बात करते हैं, सारा अरबी से लिहाज से लिंक करते हैं, मक्खन साथ साथ चलता चाहिए ना। और मोइन भाई का अलग है, जैसे कह रहा था कि ऐसा नहीं, मुझे ये बताएं कि आपका फिर फेवरेट टीचर कौन है? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल, लेकिन वैसे कंट्रोवर्शियल गया, मतलब मेरे अलावा यार देखो मैं ना बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूं। अच्छा, फेवरेट टीचर इन अ सेंस, देखिए हर नो लाइक बस योर लाइक जस्ट योर फेवरेट टीचर आप कहेंगे हां यार ये एक होता है रोल मॉडल, एक आता है यार मैंने ऐसा बनना है, और एक है जो आप कहते हैं यार कि इसकी अच्छा क्लास में इसकी क्लास में मैं सेकंड के लिए भी डाइवर्ट नहीं करता। आई थिंक मुफ्ती अखलाक और मौलाना जामी साहब का, क्योंकि वो कुरान पढ़ा रहे हो तो जहाँ मुफ्ती अखलाक कुरान ही पढ़ाते आप? नहीं नहीं, मौलाना जामी साहब। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती अखलाक वो टीचर है कि जिनकी मैं कोई क्लास मिस नहीं करना चाहता, जो कुछ ऑफर करें रह भी गई तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब मैं मैनेज कर लेता हूँ, नीचे सर हो रही है ऊपर मुफ्ती अखलाक पढ़ा रहे तो मैं कहता हूँ कुछ किसी तरह मैनेज कर ले, मतलब वो नीचे एएसएल चल रहा है हजरत, ऊपर इस्लाम वाले मुफ्ती अखलाक पढ़ा रहे हैं, ये बता के कह रहा यार मैं उनकी अटेंडेंस कर लूं, मैंने कहा ये एक नया चैप्टर इनको कौन समझाए, मेरे का पकड़ गए तो बड़ा, इसने कहा यार मैं किसी तरह ऊपर मैं नीचे तो हो गया सारा कुरान अरबी से भी आ गए ऊपर, लेकिन कुरान की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ अरसान साहब भी उस दिन कह रहे थे कि उनके एक क्लास रह गई थी तो कहते मौलाना जामी से शिफ्ट कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं मौलाना जामी से नहीं शिफ्ट करनी, आप अलग कुछ कर लें, वो कुरान क्लास स्पेशल यार, तो कुरान में एक अलग बात है और
जिस तरह हमें थोड़ी बहुत अरबिक सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंडिपेंडेंटली कुरान पढ़ सकता हूँ। ये मेरे लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने उस तरह से ज़्यादा मेहनत नहीं की पढ़ने में, ठीक है, जिस तरह बाकी लोग करते हैं, हमारे नेमतुल्लाह है, अफाक हैं, बाकी सब बॉयज़ हैं। तो लेकिन फिर भी एक माहौल में रहने से, वो रेगुलर क्लासेस लेने से, मैं अब कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे 80-90% समझ आ रहा होता है कि बात क्या हो रही है। मैं बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता यहाँ से, यानी मैं घर जाकर कुरान खोलकर कुरान पढ़ सकता हूँ, जो प्रॉब्लम आए तो किसी स्कॉलर से कंसल्ट कर सकता हूँ, वरना बुक्स हमारे सामने हैं, तफासीर की हैं, इतने अच्छी अच्छी तफासीर लिखी गई हैं, आप उससे पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस रेफरेंस से बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बात कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह से एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम बनाया गया है कि टूल्स दे दिए गए हैं, ये आपकी अरबिक है, ये सारा फिक है, इसको इतना करना है, ये हदीस साइंसेज हैं, आपस में मिक्स नहीं करना, किस तरह ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आप घर में बैठ के खुद पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया आप खुद सोच सकते हैं कि यार किस रेफरेंस से बात कर रहा है, अभी कोई बात कर रहा होता है किस बारे में, तो मैं उसको समझ जाता हूँ इसका मसला क्या, वो कह कुछ रहा होता है लेकिन उसका मसला कुछ और होता है। जैसे वो कुछ बात कर रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ इस्लाम की समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि उनकी वो एड्रेस नहीं की गई, अगर एड्रेस की जाती तो वो ये प्रॉब्लम्स ना होती, फेथ क्राइसिस ना आते लोगों को। अब मेरे काफ़ी दोस्तों को फेथ क्राइसिस आते हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें हैं सब कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बीमार होते हैं तो आपके पास मेडिकल डॉक्टर है, आप अच्छे खासे, क्योंकि हम भी देते हैं ना अच्छे खासे पैसे, देते हैं फीस, देते हैं अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं, थेरेपी होती है, साइकोलॉजिस्ट हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कोई कंसल्टेंसी ले ली, बाहर जाना है तो काउंसलर्स के पास चले गए, हर चीज़ के पास आपके फील्ड में लोग हैं और आप उनको अच्छा पे भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपना काम भी निकलवाते हैं, लेकिन स्कॉलर्स के पास आप जाने में डरते हैं, क्योंकि आप की वाली बात के जज करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा हमें दिखाया जाता है, हमें हमारी परसेप्शन है। जब मैंने इंटरेक्ट किया आकर, ये मेरी भी परसेप्शन थी, मैंने इंटरेक्ट किया स्कॉलर से, मुझे तो सबसे ज़्यादा, मतलब ऑनेस्टली, अब तो मैं मौलवी होंगे तो लोग कहेंगे मतलब बायस है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अक्सर स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं लाइक इट्स लाइक व्हेन आई आस्क यू आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो एक अजम्पशन है कि कहीं अरसलान साहब, मोइन साहब आ जाएंगे, बट लाइक नहीं, बट द रियलिटी इज कि व्हेन यू सिट डाउन एंड डू हार्ड कोर इल्म, तो यार उल्मा उल्मा है। ये बहुत गहरी बात, यू नो, मतलब एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को, दीन को, इल्म को दी हुई है ना, ही कैन नॉट, आई कैन नॉट कम्पीट, यू नो, हाँ मैं आके दो अंग्रेजी में जुमले कह दूंगा, हाँ मे बी आई कैन अंडरस्टैंड योर जाती मसाइल बेटर, सो आई कैन काउंसिल यू बेटर, बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ट्रांसफरेंस, लेकिन जब बंदा किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे कुछ चीजें यूएसपी अच्छी लगती हैं या मैं उसमें वो चीज देखता हूँ, एक है कि मैं ऐसा बनूं, एक है कि मैं अब मैं बिल्कुल एक इल्मी है ना कि मुझे यार इल्म हासिल करना है, असल तो ये है ना, एक गोल है ऐसा का यकीनन, हाँ माहौल भी देना था, दोस्तियां भी करवानी है, पार्टी भी करवानी है, दीन से जोड़ना है, दीन से मोहब्बत हो, बट अगर इल्म नहीं आ रहा तो वन इन वन एसेंस वी फेल्ड, ठीक है ना, सही है ना, उसमें हमारा भी फेलियर हो, स्टूडेंट का भी फेलियर हो, तो उसमें यार आप मतलब आई थिंक मदरसा जाके एक चीज जो मुझे भी आई थी ना, उलमा की दिल में कदर आती है, बिल्कुल आती है, यार इस बंदे ने जिंदगी दी, एंड यू कैन टेल इन द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, एंड यू नो मतलब उनकी बात का जो असर है, अनेक लोग होते हैं आखिरकार उनकी बात में जो डेप्थ होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटे से मस्जिद के एक इंसान है जो गांव से आया है, मुल्तान के छोटे से गांव से, यहाँ पे आकर वो टिपिकल मदरसों में आलिम बने, सब कुछ बने, और अब वो छोटी सी मस्जिद में एक कारी साहब हैं, इमाम साहब हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम अभी आखिरत का हमारा विजन नहीं है, हमारा दुनिया का विजन है, तो हमें सिर्फ डॉक्टर साहब या मर्सिडीज से उतरता हुआ समझ आएगा, यही इंशाल्लाह मुझे मतलब लगता है ऐसा कि ये जो मस्जिद वाले कारी साहब है ना, ये उनको आखिरत में वो प्रोटोकॉल मिल रहा होगा, वो मर्सिडीज पे आ रहे होंगे और मैं शायद साइकिल पे आ रहा हूँ, तो ये सब फ्लिप हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि असल चीज वो है, विजन हमारा ठीक नहीं है। तो खैर उनसे मेरी, मैंने उनसे बात की, मशवरा हुआ जरा, तो दिस इज नसीहत है ना, हमारे पौधे हैं ये, नहीं तो मेरी उनसे बात हुई, अदर पौधा जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अच्छा खैर मैं मस्जिद में आया नमाज पढ़ने, तो नमाज पढ़ के जैसे मेरी आदत है क्योंकि बिजी होते हैं तो मैं फौरन निकल रहा था, कहते हो बात सुनो भाई, क्योंकि वो मुझे देखते देखे पहले मैं क्या कार्टून था और फिर बिल्कुल ही चेंज हो गया, और जैसे मतलब टर्बन भी और बियर्ड एंड द अपीयरेंस, तो उन्होंने कहा क्या सीन है ये क्या है, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो कहते हैं चाचा उन आलिम को तो मैं भी जानता हूँ, ऐसे ऐसे है ठीक है, तो फिर कहते चलो भाई कुछ नसीहतें ना हमसे भी ले लो। मैंने कहा क्या नसीहत है, मतलब अब जहन में सोच रहा हूँ कि मतलब ये इनका बैकग्राउंड क्या है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या नसीहत दे देंगे, मैं ये बैकग्राउंड में सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं दें आप, मैं बड़े अदब में खड़ा हो गया, मैंने कहा बताएं, फिर मैं चिल हो गया, जैसे मैं चिल होता हूँ, मैं ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं, मैं बहुत चिल बंदा हूँ, तो मैं आराम से चिल खड़ा हो गया, मैंने जी बताएं, तो बताने लगे दो तीन चीज़ें बातें की, तो कहते हैं बस वही जो सब बातें करते हैं, लगे रहो बस, लगे रहना है और विकेट पर खड़े रहना है, टेस्ट मैच है, अफरीदी लाला नहीं बनना कि दो छक्के लगाए और आउट, बस दीन में मतलब बेसिकली लगे इस्तकामत आ जाए, इस्तकामत में लगे रहना है। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कोट किया क्या नाम है उनका, जो इंडिया के कौन से बड़े आलिम है,
मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, मैं तो सबके नाम भूल जाता हूँ। वहीदो जी? नहीं नहीं नहीं, जो पास्ट में जिनके स्टूडेंट हैं सारे, मौलाना ज़करिया। नहीं नहीं, चलिए खैर, दिस वाज द बिगेस्ट नेम दैट आई नो कोट किया उनका। उनका ये कहना है कि जो भी इबादत है ना, इबादत के रिलेटेड बात हो रही थी, कहते कोई भी चीज पहले आपकी वो बनती है, क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, पहले आपके वो बनता है, आपको शौक पैदा होता है, जज्बा आता है, फिर वो रिया बनती है, फिर वो आदत बनती है, और फिर वो इबादत बनती है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो एक बात क्या है कि पहले एक जज्बा आया, एक काम करना शुरू किया, ठीक है, फिर आदत बनी, फिर उसमें रिया आती है। जब आदत बन जाती है ना, तो फिर एक लाइफ स्टाइल बन गया। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम नमाज के करीब भी नहीं जाते थे, शुरू शुरू की नमाजों में बहुत ज्यादा वो होता था, फिर अब आदत बन गई है कि बस लाइफ स्टाइल चल रहा है, तो अब आदत बनती है, फिर इबादत जो है वो रिया बनती है, शो ऑफ। और शो ऑफ में भी लगे रहो, ऐसे लगे रहो, बस अपना मुहासबा करते रहो, तो फिर वो इबादत बनती है। तो बहुत डीप बात थी, और मैं हिल गया सुन के। नहीं नहीं, वो बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, हजार किताबें लिखी हैं, काफी कुछ। उनका जब नाम ना आता हो ना, तो सिंपल कहो शेख उल हदीस साहब, शेख उल हदीस, वो यकीनन कहीं ना कहीं शेख उल हदीस होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, जो सब कॉन्टिनेंट के थे। आर यू श्योर इट्स नॉट मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह? नहीं यार, सो इनके मुफ्ती शफी उस्मानी के साथ कौन थे, जो जामिया शर्फी के भी उस्ताद हैं? मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। नहीं हसन नहीं, ये वो मुफ्ती हसन साहब की बात नहीं कर रहा, उनका नाम मुफ्ती हसन भी नहीं, मतलब बहुत मशहूर नाम है उनका, थानवी, अशरफ अली थानवी साहब। मैं नाम हर किसी का भूल जाता हूँ, मैं तो अपना नाम अक्सर भूल जाता हूं। कोई पूछा आपका नाम क्या, तो यार सॉरी यार, क्या नाम है, आईडी कार्ड देख ले। मौलाना साहब यकीनन, अच्छा ठीक है भाई, इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इल्म का कितने पानी में है। नहीं जैसे इसमें हमें साथ भी पढ़ा रहे थे, तो बल्कि इट हेल्प मी अलॉट कि जब ये कह रहे हैं ना कि एक आपकी, आप पहले नमाज के करीब नहीं होते, फिर आदत डल जाती है, और फिर वो ऑटो पे चली जाती है। ऑटो मतलब कि पहले शुरू शुरू में आप नमाज में मज़ा ले रहे होते हैं, प्रेजेंस होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद आप थोड़े से डाइवर्ट या इधर उधर, आपकी ग्रोथ, आप प्रैक्टिस तो बन गई, लेकिन उसमें आप कितने खुशू में थे वो नहीं रहता। तो उन्होंने बहुत से बताया कि आप दोनों में, रुकू में भी और सजदा में भी, दो दो तीन तीन तस्बीहात बढ़ा दें, तो आपकी नमाज थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसमें ठहराव आएगा, और आपको होगा कि मैंने दो तस्बीहात एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो यू विल बी इन देयर। ठीक है, एंड इट हेल्प मी कि मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ है, ट्रिक्स है, हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है, एंड आई थिंक एज फार एज इट इज वर्किंग फॉर यू। तो इससे आप मदरसे से रिलेटेड सवाल नहीं पूछ रहे, हमारी बात इधर उधर घूम रही है, मदरसे का जो टॉपिक है, मदरसे का क्या सीन है, मदरसे की तो हो रही है और किसी बात हो रही है, सारा कुछ आपने मदरसे का ही, मतलब यू आर द प्रोडक्ट यार। मैं तो इसमें मैं ये नहीं, लाइक मैं तो बाय जेन्युइनली चले, बट यू नो आई थिंक दिस इज द आइडिया कि, एंड जो मैं हर किसी से सवाल करता हूँ कि यू नो वन ईयर अगो, टू ईयर अगो, क्या मतलब यू नो, मुझे जेन्युइनली जब मैं दीन की तरफ आ रहा था, तो मुझे दीन की बात करना बहुत मुश्किल लगता था। मुझे कोई बिठा दे, लाइक आई रिमेम्बर कि मैं दो साल पढ़ा हुआ था मदरसे, एंड मैं पहली बार चिल्ले पे गया था, एंड अच्छा होता ये कि उनको लगता है ये मदरसे का है, तो इसको तो बस बयान ही बयान ठोकते रहो, ठीक है ना, तो और अल्लाह माफ़ करे, मदरसे में वो ट्रेनिंग तो नहीं है, मतलब आप किताब पढ़ रहे हो, एंड उन्होंने वो जो होता है ना कि जब आप गश पे जाते हो तो बैठ के बात होती है पौने घंटे वाली, पौने घंटा भी नहीं, असर से मगरब वाली, वो मुझे पकड़ा दिया उनको। अच्छा मैं भी उस वक्त, क्योंकि आप मदरसे साहब कहते हो ना, कर ही लूंगा कुछ ना कुछ, इतना कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, एंड आई सैट डाउन, एंड आई थिंक 10 या 12 मिनट बाद, खैर सामने 5-6 लोग ही बैठे हुए थे, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो 10 मिनट में एक घंटा रहता है और मेरा तो कुल इल्म मुक चुका है, एंड इतना मुझे उस वक्त एक शर्मिंदगी हुई, एंड यू नो इट कम्स विद टाइम, लाइक माशाल्लाह, मतलब मुझे दिल से खुशी होती है कि यू नो यू मीट, लाइक एक आप दीन की बात ओपनली कर सको, अल्लाह की बात कर सको, बड़ाई बयान कर सको, यू नो जनरली अपने व्यूज ऑन दीन शेयर कर सको, आई थिंक इट टेक्स टाइम, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट, एंड आई थिंक ये आपने जो बात की ना कि हमारे कोर्स में सबसे पहले अहलान भाई ने अपने फिक ऑफ दावा में चीज़ कराई, तो उनकी क्लास थी और नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, उन्होंने कुछ ऐसा पहले बताया भी नहीं था, जिसके मैंने सेड के मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, एक टॉपिक दे रहा हूँ सबको, ये आपका टॉपिक है रैंडमली, ठीक है, और उसमें ये है कि आप 5 मिनट बात करेंगे इस बात, 5 मिनट, ठीक है, और
मुझे तो लगता है मैं जितनी मर्जी देर बात कराने को भी बात कर लूँगा, ठीक है। बट उन्होंने एक वो टेक बताया कि आपने कुरान से बात करनी, हदीस से बात करनी, फिर आपने एक्सपीरियंस भी लेंगे। अगर साथ कोई आपकी एग्जांपल स्टोरी है तो बता सकते हैं स्ट्रक्चर कि किस तरह से आप बात करना चाहे चाहिए आपको। तो यही बात हुई कि झूठ पे मैंने, अब झूठ मेरा टॉपिक था, और आसान कह रहा है कि बोलने आता है मुझे, बोलना आता है, बात नहीं कर रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए, नहीं नहीं बोलना नहीं चाहिए लेकिन करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ, क्या काम आता है, कभी कभार आ जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो आप और भी लोगों को टॉपिक्स मिले थे हमारी क्लास में, तो पहले दिन ये रियलाइज किया कि इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। अच्छा, दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड सच कोर्सेज, बिल्कुल, कि थोड़ा सा ना कि ये मुझे बुराई करते रहते हैं मेरी पीठ पीछे, बट इनको मैं, मैंने कब बुराई की है, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं ऐसी बात मुझ तक पहुंच रही होती, मैं नहीं कर रहा होता मुझे, हाँ इनका जो एक फसादी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो इनको मैंने ये वाला जो जो कुरान वाला आखिरी था, मैंने सिर्फ इस नियत से कि इनसे पढ़वाओ, क्योंकि वरना बोलना नहीं आता यार, आप यू कांट डू इट, लाइक बहुत मुश्किल है, जिस तरह आप कह रहे हैं बंदे के पांव कांप जाते हैं यार कि मैं क्या बात करनी, किस तरह बात करनी है। और अब ये से क्लास में एक दो प्रेजेंटेशन हुई, फिर आपने भी अपने कोर्स में ये अम्मा बारे में ऐसे किया, फिर जब भी मैंने लास्ट टाइम फुट स्टेप्स करवाया था, ठीक है, प्रोग्राम, तो 3 दिन की 40 मिनट की क्लास थी, ठीक है, और 40 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, स्पेशली वो थे टीनेजर्स, उनको एंगेज करना मुश्किल था सब कुछ, तो यस उससे प्रैक्टिस होती है, और आई थिंक इट हेल्प मी अलॉट कि आपने बात स्ट्रक्चर किस तरह से करनी है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह से लोगों को इंगेज करना है, ठीक है, तो ये चीज़ सीखने में आसानी होती है। और फिर एज पर द ऑडियंस यू हैव टू इम्प्रोवाइज एज वेल, ठीक है, अगर किसी को एक तरह बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, फिर एक बात होती है कि कॉन्टेंट आप पहले से प्रिपेयर करके आए हैं एंड यू आपने जस्ट यू थ्रो इट, ठीक है, लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन आता है तो उसका दिमाग उस वक्त बंदे का किधर है, वो कहाँ से कोई क्वेश्चन भेजता है, अगर आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उतना नहीं पानी में, तो फिर वो मसला आ जाता है, ठीक है। तो यस आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मेरा ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बेशक बेशक, आपको मैं अभी ना इसको मैं मदरसे के सवाल मैंने क्विक फायर राउंड करना है, एक सेकेंड में जवाब देना, ठीक है, सारे मदरसे के सवाल, ठीक है। बेस्ट कोर्स, बेस्ट कोर्स, ये तो ये बहुत नहीं नहीं इतना के सवाल हो जल्दी, ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, चलो बेस्ट कोर्स, जिसको एक बहुत सारे कोर्सेज हैं, नहीं यार कंटेम्पररी कोर्सेज जो अरसान साहब ने करवाए, क्वेश्चंस वाले मार्केटिंग नहीं करो, बेस्ट कोर्स ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बता दो यार जो सबसे पहले दिमाग में आता है, इसलिए मैं कर ही नहीं रहा था, अच्छा ये फेक ऑफ दावा था, फेक ऑफ दावा, फेक ऑफ दावा, अंता contemporary questions, contemporary questions, अभी थोड़ी देर पहले कुरान, सिर्फ कुरान, मैं सिर्फ कुरान तो फिर काफी है ना, उसमें 3-4 courses हैं, 3-4 classes का course, ये तो एक अकेला है, आप कह सकते हैं कुरानी courses, but चलो contemporary fiqh dawa, best moment, best moment, क्या मतलब ये शादी हो बस एक best moment, bride थोड़ी हूँ मैं, आपका best moment, मेरे भाई शादी के अलावा भी बहुत सारे moments हैं, जवानी नहीं भी तो हजरत के दिमाग में के वो इंशाल्लाह शादी होगी कोई, इंशाल्लाह होगी, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, वो मोमेंट ही होता है वैसे ना, उसके बाद एक लंबी तवील, ठीक है, तो आई डोंट नो लाइक वन मोमेंट यू कैन रिकॉल लाइक यू हैड अ ग्रेट टाइम, रीडिंग कुरान, जब मैं कुरान पढ़ रहे थे, तफसीर कर रहे थे और हम खुद पढ़ना ही कुछ क्लास चल रही थी, तो कुरान ऐसा लग रहा था जैसे दिल में उतर रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं नहीं मतलब एग्जैक्टली ये उस तरह नहीं उतर रहा था, नहीं नहीं वो वाला सीन नहीं है, ये ऐसा है कि मतलब एक बात आप बहुत फील में हैं और अल्लाह ताला के वर्ड्स आपको अपने लिए लग रहे हैं और पूरे वो मतलब फिजिकली फील हो रहा है कि दिल में उतर रहे हैं और दिल भारी हो रहा है और दिल फुल हो रहा है, फिर आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्लास में, और आस पास इतने लोग बैठे हैं कुछ पता ही नहीं है क्या, मैं ये मैं सच बताना चाहता हूँ लोगों को, ये हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, ये हारिस की असल कैफियत है, आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या होता है, ऐसे कि जैसे मैंने कहा था कि बात जब करते हैं ना कोई, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, यू नो टॉकिंग डायरेक्टली टू मी, या मेरे से आप मुखातिब नहीं है, या पहले से एक बात इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये शायद मेरे से बात हो रही है, ठीक है, डॉक्टर ज़िशान ने एक दो दफ़ा बात की एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप ऑफ क्या कहते हैं आप सल्लम उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है, तो उससे कुछ उन्होंने चीज़ें अखज की कि यार ये हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, और एट दैट टाइम आई थॉट कि यार इन प्रॉब्लम्स से मैं गुजरता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम्स के आंसर है, ठीक है, ये खूबसूरती सीरत की भी है ऑब्वियसली, और उस बहुत सुनने वाले का भी सुनने वाले होता है, सुनने वाले का इखलास होता है, रिलेट होता है उससे, उसके बाद बहुत सारी जैसे इन्होंने अभी एक इमोशनल बात की, तो उसमें ये होता है कि आप कभी कभी रियलाइज करते हो बात बहुत अच्छी है और उससे आप सिर्फ इमोशनल फीलिंग ये ले रहे हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये
तौफीक दी है मुझे यहाँ बिठा दिया, आई वॉज नॉट वर्दी इनफ, और हम क्या कर रहे थे, दैट्स वेरी मतलब पता नहीं कैसे, मतलब अल्लाह ताला कुरान में वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर जगह पे, दालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, तो अल्लाह ताला ये फजल को हम क्या समझते हैं, फजल क्या है कि अच्छी गाड़ी मिल जाना, अच्छे कपड़े मिल जाना, अच्छी बेगम मिल जाना, अच्छे दोस्त, ये सब कुछ हम फजल समझते हैं हमारी उर्दू डिक्शनरी में, हमारी उर्दू विकैबलरी में ये फजल है, लेकिन अल्लाह ताला अरबिक में अल्लाह सुभान व तआला क्या यूज़ करते हैं, फजल क्या है कि जिसको मैं ईमान दे दूँ, जिसको मैं हिदायत दे दूँ, जिसको मैं नबी की एक पूरी सुन्नत दे दूँ, अल्लाह ताला ने सूरह जुम्मा में कहा ना नबी भेजे हैं मैंने, तो ये फजल किया तुम पर, गाड़ी देकर फजल नहीं किया तुम पे, क्योंकि हमारा विजन आखिरत का है फुल फ्लेज्ड, कि हमने असल विजन वो है, तो जब उस डायरेक्शन पे चलने वाले वो दे दिया अमाल, तो वो सबसे आइडियल है, तो ये वही बात है कि अल्लाह ने हम पर अल्हम्दुलिल्लाह फजल किया कि हम किस दुनिया से उठकर कहाँ पे आ गए, और अल्लाह आगे भी मतलब इस्तकामत दें और लोगों को भी हिदायत दें, हमें भी हिदायत दें, जब भी कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल अब क्योंकि मैं ऑपरेशन सारी चीज देख रहा होता हूँ, तो पहले क्या ऑर्गेनाइज करा रहा होता था, कैसी चीजें, मतलब ये स्किल सेट अल्लाह ने पहले दिया हुआ था, ठीक है, और उसको आप पहले कैसे यूज कर रहे थे, और अब अल्लाह उसी चीज को किसी और तरीके से यूज करा रहे हैं, और उसमें किक रहती है हमेशा से कि एक डेफिसिट आपको लगता है, एक चीज़ लगती है कि यार ये आपने रिकवर करना है, या अल्लाह ने आपको तौफीक, मतलब एक शुक्र का लेवल भी होता है, एक डर भी होता है उसमें, और आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि यार कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा खींच के भी रखता है, रियलाइज़ करवाने के लिए कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और आपको ड्राइव देता है, और डर भी बहुत लगता है कि ये ना हो कि मतलब हम वापस उस रास्ते पे निकल जाएं, या इस ये चीज खत्म हो जाए, हमसे छूट जाए, तो एक डर भी दिल में बैठा होता है कि यार आप छोड़ेंगे ना, व्हेन इंशाल्लाह वन डे यू विल ग्रेजुएट, नहीं 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 इंशाल्लाह मैं ग्रेजुएट नहीं होऊंगा, नहीं 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 लाइक जी जी चलें अल्लाह आप देखिए पढ़ता तो रहना चाहिए, बट व्हेन यू फॉर्मली ग्रेजुएट तो देन यू विल रियलाइज के लाइक देयर इज नथिंग लाइक इट, लाइक कुछ भी, देयर इज नो अदर फीलिंग, देयर इज नो अदर यू नो, एक उस वक्त जो आप एक इत्मीनान में होते हैं, बस लाइक पढ़ाते हुए भी वो फीलिंग नहीं आती, जो पढ़ते हुए जो इतना एक टाइम व्हेन यू वर लाइक ऑब्वियसली देयर इज लेस रिस्पांसिबिलिटी एज वेल, बट यू फील ब्लेस्ड यार। आई थिंक हमें सीरियस नोट पे, मगर आखिरी सवाल मैं आपसे करते हुए जाऊंगा जी जी, फेवरेट टीचर मुफ्ती अखलाक अरसलान साहब, पहले पूछ चुके ना, फेवरेट शेख अरसलान अहमद, फेवरेट टीचर हारिस, मेरे दिन से हमेशा यासीन भाई हैं, बहुत ज्यादा एंड इस पे आई थिंक इस पे जो है हमें बात करनी चाहिए, हां तो अकोमोडेट करते हैं, हर बात मसला सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, पढ़ाना नहीं आता उनको मगर अकोमोडेटिंग बहुत है, नहीं अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, मतलब अरबिक वगैरह में आपकी ग्रिप है, मैंने इसको कभी भी एक भी कोर्स अरबिक का नहीं पढ़ा है, बट आई लाइक के हाउ जो हदीस पढ़ी है, प्रोविजंस फॉर सीकर्स, तो इट वाज रियली नाइस, गुड 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 टू नो हारिस, वैसे अरसलान साहब ऑब्वियसली अरसलान अहमद और मुफ्ती अखलाक साहब, बाकी सारे अच्छे स्टैंडर्ड है वो साहब, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, अकेले ही कर रहे हैं, दिल की तो अच्छे ही है सारे, लेकिन देखिए आप कंपेयर नहीं कर सकते ना किसी भी को भी, सबकी एक अलग स्पेशलाइजेशन है, अलग फील्ड है, उस फील्ड में आप कंपेयर करें तो बात समझ आती है, लेकिन फिक में डिप्लोमेटिक वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक मजलिस एंड होने की दुआ होती है, वो मैंने दिल में पढ़ ली है, नहीं नहीं ऊंचा पढ़ ले, हम भी पढ़ते हैं, मैंने पढ़ लिया दिल में, ठीक है जी, जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।